परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद शिव महापुराण सभी पधारे हुए भगवान श्री भोलेनाथ के अनन्य भक्त तथा आज के जो दैनिक यजमान बने थे उन समस्त यजमानों का भी खूब खूब अभिनंदन वंदन स्वागत और भगवान श्री हरि और भगवान श्री हर उनकी परिवार पर उन पर भी खूब कृपा करें। जो दैनिक यजमान भी बनते हैं इस यज्ञ में उनका भी खूब खूब योगदान है तो उनका भी खूब खूब सम्मान है। कल के सायंकालीन सत्र में भगवान शिव के विविध उपासना की हम सब ने चर्चा की। जिस महादेव की हम अर्चना आराधना पूजन करते हैं यही प्रश्न किया था कि हे ऋषियों भगवान शिवलिंगोत्पत्ति की कथा कल सायंकालीन में हम सब ने श्रवण किया। कौन कौन से लिंगों की कौन कौन सी देवता पूजा करते हैं, क्या फल मिलता है, तो कल पहले देवताओं ने अर्चना की, देवताओं को उसका फल मिला। आज मनुष्यों, हम सब मनुष्य हैं, आज धरातल में भगवान शिव की पूजा कैसे प्रारंभ हुई और भगवान शिव के पूजन से क्या क्या फल मिलता है, क्या चढ़ाने से क्या मिलता है, कौन से पुष्प फल भगवान शिव को प्रिय हैं और कौन भगवान शिव को त्याज्य हैं, इन सब विविध प्रकार भगवान शिव आराधना की आज चर्चा होगी। नारद मोह तक आज की कथा होगी। सूद जी कहते हैं ऋषियों अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा प्रियो शिवा नमस्कार प्रियो भानु योगिनां भजन प्रियम। देव पूजन के विविध अलंकारों का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं शिव महापुराण में दर्शन कराते हुए सीत जी कहते हैं कि हे ऋषियों अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान नारायण को आप जितना सजाओ, जितना अलंकार सोने चांदी हीरे जवाहरात वस्त्र अलंकार, आप बिहारी जी गदे जी कैसे सजते हैं, अलंकार प्रियो विष्णु, ठाकुर को आप जितना सजाओ उतने वो खिलते हैं, इतने ही प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव, अरे भाई जिनके पास में स्वर्ण रत्न आभूषण है वो तो सजा सकते हैं और जिनके पास बेचारों के पास खुद नहीं है तो वो क्या सजाएंगे, तो इनके लिए सबसे सरल सहज महादेव हैं। अलंकार प्रियो विष्णु जलधार शिव प्रिय, भगवान शिव ने इतनी सरल वस्तु को स्वीकार किया कि हर एक व्यक्ति गरीब सा गरीब व्यक्ति भी, दो वस्तु भगवान ने सबको दी है जिसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क पानी और वाणी। पानी के द्वारा भगवान शिव को अभिषेक और वाणी के द्वारा हर हर महादेव हर हर महादेव, तो ना पानी का खर्च ना वाणी का खर्च, दोनों पावन होंगी। देखिए भगवान कितने सहज कितने सरल हैं महादेव। अलंकार प्रियो विष्णु, अगर भगवान नारायण ने अलंकार पसंद किया तो भगवान शंकर इतने सहज हैं। जलधार प्रियो शिव,
शिव को जलधारा बहुत प्रिय है। और नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य को केवल नमस्कार कर लीजिए आप। जो भगवान सूर्य को नित्य नमस्कार करते हैं, सूर्य अर्घ देते हैं, वह दारिद्रो न उपजायते। 1000 जन्म ले ले पर किसी भी जन्म में उन्हें दरिद्रता नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान सूर्य को नित्य निवा प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। योगी नाम ब्राह्मणानाम भजन प्रियम, इन्हें भजन बहुत प्रिय है। अभिषेक के पात्रों में भी इन्होंने कितनी सरलता दिखाई। इनका अभिषेक कैसे किया जाए? शिवंगव श्रृंगेण केशवम संख्यवारिणम विघ्नेशम ताम्रपात्रेण स्वर्णेन जगदम्बिका। विघ्नेशम ताम्रपात्रेण स्वर्णेन जगदम्बिका। शिवं गवश्रृंगेणा, जो नील गाय होती है उस नील गाय की जो सींग की श्रृंगी बनाई जाती है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उसके द्वारा किया गया रुद्राभिषेक निश्चित ही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान महादेव परम गौ भक्त है और धर्म रूपी वृषभ को सदैव अपने साथ में रखते हैं। शिवंगव श्रृंगेण, और भगवान नारायण बड़े दुर्लभ है, इनके दाहिनावर्ती संघ से स्नान करें तो महाराज ये सारी कामना को पूर्ण करते हैं। और दाहिनावर्ती संघ मिलना भी इतना सरल नहीं है, सबको सुलभ भी नहीं है। केशवम संखवारिणम, गोपाल जी का शालिग्राम जी का जब जब अभिषेक करें तो शंख के द्वारा भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी अभी पधारने वाले हैं और जब भी गणेश का अभिषेक करें विघ्नेशम ताम्रपात्रेण, कोशिश ये हो कि जितना भी अनुष्ठान हो भगवान गणेश का तो अभिषेक हो तो ताम्र पात्र के द्वारा अभिषेक। सारे जीवन के विघ्न दूर करते हैं भगवान गणेश, अगर ताम्र पात्रों के द्वारा उनका अभिषेक किया गया। और मां भवानी जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना हो तो स्वर्णेन जगदम्बिका, मां जगदम्बा स्वर्ण के पात्रों में आराधना करने से प्रसन्न होती है। श्री कामासु दुर्गाम लभेत, कलयुग में चार देवों की उपासना तो बड़ी ही फलदायी है। हनुमान जी महाराज, शंकर जी महाराज, गणेश जी महाराज और भगवती जगदम्बा, कलौ चंडी विनायकों, विनायक और चंडी बड़े ही फल देने वाले हैं। सूद जी कहते हैं ऋषियों, अब ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भगवान शिव को आखिर अब पूजन विधि कैसी की जाती है? देखिए, द्वादश ज्योतिर्लिंग जहां भगवान शंकर स्वयंभू प्रकट होते हैं, भारत में बहुत जगह है भगवान शिव अपने आप प्रकट हुए, तो जहां पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होता है वहां प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। भय प्रगट कृपाला, प्रगट हुए हैं वो तो, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे अभिषेक प्रारंभ कर दो। दो जगह से प्राप्त हुए, एक
नर्मदा से प्राप्त हुए शिवलिंग कंकर कंकर शंकर है। नर्मदा में डूब करके टेढ़े मेढ़े कैसे भी मिल जाएं, वो परम ही शुभ फल प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर हम गृहस्थ हैं, अपने घर में अंगुष्ट मात्र, अपने अंगूठे के बराबर ही शिव की उस प्रतिमा को, शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। आपने कल ज्योति में शिवलिंग की वर्णन श्रवण किया, अभी आप श्रवण कर रहे हैं स्वयंभू लिंग, स्वयं जो भगवान प्रकट होते हैं, जहीं से प्रकट हो जाए प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सिद्ध हैं। इसके बाद बिंदु लिंग, छोटे छोटे जो होते हैं वो बिंदु लिंग हैं। इसके बाद यंत्रों के द्वारा यंत्र लिंग, यंत्रों की स्थापना होती है, बृहद तंत्र विधि की जब पूजा होती है उसमें पात्रा साधन आदि कर्मकांड में विविध, जब रुद्र याग होता है, लघु रुद्र अतिरुद्र महारुद्र आदि यज्ञ होते हैं, उसमें भगवान शिव का यंत्र रूप में स्थापना होती है। कल में निवेदन किया था अचल लिंग और चल लिंग, जहां स्थापना कर दी जाए, जब तक हम बाहर से कितना सुंदर भी शिवलिंग लेकर के आए और जब तक उसमें वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक वह आपको फलीभूत नहीं होगी, वो पाषाणवत रहेंगे। आपकी श्रद्धा भले शिव स्वरूप पर हो, उदाहरण के लिए आज की भाषा में कोई कितनी बढ़िया भी मशीन हो, जब तक इलेक्ट्रिक पावर नहीं जाएगा तब तक वो चलने वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कितनी भी सुंदर मूर्ति हो, जब तक वैदिक मंत्रों के द्वारा उसके अंदर पंच प्राण नहीं डाले जाएंगे, तब तक वो मूर्ति आपको कोई फल नहीं दे सकती, क्योंकि स्वयं शक्तिहीन होती है। दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाश्च देवता, ये सारा जो जगत है वो देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, सारे देवता मंत्र के अधीन है। जो मंत्र आप पढ़ोगे, मां कुंती को दुर्वासा जी ने 5 मंत्र दिया और कौमारी अवस्था में मां ने 5 मंत्र पढ़ा और 5 देवता प्रकट हो गए। देवताओं ने, मां ने कहा, मैंने तो परीक्षण लिया था, क्या ऋषि के मंत्रों में शक्ति है या नहीं। कहा, मां आपने परीक्षण भले लिया हो लेकिन मंत्रों के हम अधीन हैं। मंत्र अगर पढ़ा जाएगा तो हमको आना ही पड़ेगा। मंत्राधीनम जगत सर, दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्र के अधीन है। अगर इंद्राय स्वाहा बोला गया तो इंद्र को आकर के वो आहुति लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो मंत्र के अधीन है। वस्तुतः मंत्र शुद्ध होना चाहिए और मंत्र बोलने वाले की वृत्ति प्रवृत्ति शुद्ध हो। ऐसे शुद्ध वैदिक ब्राह्मण के मुख से निकले हुए मंत्र को आज भी देवता उस आहुति को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये मंत्र किसके अधीन है? ते सर्वे ब्राह्मणाधीना, ये मंत्रों की उपासना कौन करता है? जो ब्राह्मण गायत्री संध्या वंदन करते हैं, वेद मंत्रों को पाठ करते हैं, और जो बारंबार वेद मंत्रों को पाठ करते हैं तो वेद मंत्रों के साथ में उनकी मित्रता हो जाती है। मनना त्रायते मंत्रा तस्मात मंत्र उदारता, आप कभी वेद मंत्रों को पढ़ो मत, वेद के ग्रंथों को पूजन मत करो, संकट आ जाए तो मंत्र पढ़ो, बिल्कुल आपका मंत्र कृपा नहीं करेगा आप पर। जो ब्राह्मण दैनिक नित्य वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, मंत्रों से मित्रता हो जाती है, और जब वो प्रेम से मंत्र पढ़ते हैं उस मंत्र के अधीनस्थ देवता आकर के स्वीकार करते हैं। बोलो हर हर महादेव। लोग कहते हैं कि महाराज क्या जरूरत है, हम ही पुस्तक ले आए, हिंदी लिखा रहेगा, पढ़ देंगे, पाठ कर लेंगे या कैसेट लगा लेंगे, पूजा कर देंगे, क्या जरूरत है ब्राह्मणों की। आपकी औपचारिकता जरूर पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
आपको संतोष हो सकता है, लेकिन देवता कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम विधि के खिलाफ जा रहे हैं। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, स्वयं का ऑपरेशन तो खुद कभी नहीं कर पाता, उसे डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। इसलिए ते सर्वे ब्राह्मणाधीना, ब्राह्मणों को वेद मंत्रों से इतना लगाव है, इसलिए वेद ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए वेद, जैसे ब्राह्मण के मुख से वेद निकलता है, वो मंत्र का अधिष्ठाता देवता जान लेता है किसी सिद्ध मंत्र मुख के द्वारा निकला हुआ मंत्र है, वो दौड़ता हुआ आता है। इसलिए तस्मात ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मणों को भूदेव देव कहा जाता है, उनके मुख से सुनने का ये फल है। भगवान कहते मेरे दो मुख हैं, ब्राह्म वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणो समकुमासीद राजन्य बाहु राजन्याः। ये जो ब्राह्मण हैं इतने बंदनी क्यों हैं? क्योंकि मेरे मुख से प्रकट हुए। और भगवान कहते हैं मैं दो मुख से भोजन करता हूं। मुखात अग्निर अजायते ब्राह्मणो समकुमासीद, एक तो अग्नि में स्वाहा, हम अग्नि नारायण कहते हैं और यज्ञ नारायण कहते हैं, तो अग्नि नारायण का रूप है। जब हम आहुति डालते हैं अग्नि के माध्यम से, दूत है जो अग्नि दूतम पुरोदधे, वो आहुति हमने दिया, उस आहुति को लेकर के जिस देवता नारायणाय स्वाहा, वो आहुति अग्नि नारायण को पहुंचाएंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति के नाम का पत्र लिख दिया जाए या उसके नाम का ईमेल कर दिया जाए तो नाम पर अपने आप, उसकी आईडी पर अपने आप पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह जिस देवता का नाम लेकर के आहुति डाली जाती है, अग्नि समस्त देवताओं के दूत हैं, पत्रवाहक हैं, आहुति दिया और अग्नि ने पहुंचाया। और दूसरे ही पत्रवाहक हैं, संदेह को संदेश वाहक हैं, हमारी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाने वाले ब्राह्मण हैं। मैया रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया, कल बारात आ जाएगी, घबरा गई मां रुक्मणी, अब क्या होगा, मैंने स्वयंवर मैंने गंधर्व वरण कर लिया है ठाकुर जी का, द्वारिकाधीश का, अब मैं क्या करूं। रुक्मी भैया मानेगा नहीं, भाभी ने कहा कि घबराओ मत, भगवान के द्वार तक पहुंचने के लिए अपने पास दूत हैं। बोले कौन है इस समय, कौन आएगा? बोले ब्राह्मण देवता। और रुक्मणी ने सप्तपदी के पत्र लिख करके कहा ब्राह्मण देवता, वैसे तो विवाह में सप्तपदी पढ़ी जाती है, आपको पढ़ना बहुत बढ़िया आता है, मेरा निवेदन है, मेरा ये पत्र है, आप प्रभु तक पहुंचा दें, ये प्रार्थना पत्र है। पहुंचा दिया गया। भगवान शंकर के उमा के प्राप्ति का भी प्रार्थना पत्र मार्गदर्शन नारद जी ने दिया, जानकी जी के मिलन का भी पत्र नारद जी ने दिया। इसका मतलब निश्चित है, जब आदिशक्ति जगदम्बा का भी प्रार्थना पत्र पहुंचाने वाले संत ब्राह्मण हैं, इसलिए हम सब जीव उन पर श्रद्धा रखते हैं और अपनी प्रार्थना करते कि हे महाराज। कभी कभी मंदिर में जाकर के, आश्रम में जाकर के कहते महाराज आप हमारी तरफ से प्रार्थना कर दीजिए ना, ठाकुर जी आपकी बात सुनेंगे। और बात सत्य है कि ब्राह्मण संत हैं, वो भगवान के दूत हैं, प्रार्थना करते हैं। संतन ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भवा। आनंद बाबा ने कही बाबा 90 वर्ष को टोकर है वे मेरे पुत्र होएगो, जहां टाइम में महाराज कौन सो आशीर्वाद दे रहे हो। संतन कहवे लगे, ब्राह्मण संतन मुख से निकस गयो सुनिकस गयो, बाबा तेरे जब लग संतान न है जाएगी तब तक हम तेरे गांव में रुकेंगे। इसके बाद ब्राह्मण संत क्या करते हैं, ठाकुर जी अब हमारे मुख से जो निकल गया वो निकल गया, जब आवाते कछु हैवे वारो ना है,
तुम ही कृपा करो, आप ही आ जाओ हमारी लाज रखने के लिए, हमने वचन दे दिया है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा वचन मेरा ही तो मुख है, ब्राह्मणों से मुख मासीद, ये मैंने ही कहलवाया है, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा स्वयं याकूब पुत्र बनकर, मैं प्रकट कहीं भी हो और गोद में यशोदा की खेलूंगा। तो कहने का मतलब ब्राह्मणों सम्मुख मासीद, रुद्राभिषेक विद्वान ब्राह्मणों के मुख से हो। सबसे पहले भगवान शिव को जलधारा बहुत प्रिय है, कारण क्या है, ये गरल विष है जो भगवान पान किया है, हमेशा जलता रहता है, तो जितनी भी ठंडी जलधारा शिव पर डाली जाए भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए तो भगवान शिव को गंगा प्रदान कर दी गई। निरंजन बाबा आपने देवाधिदेव महादेव हैं, आपने यह गरल धारण किया है, आप इतने सरल हैं, इसलिए सरसर करती ही सुरसरी आपके सर पर ही सदैव विराजमान रहेगी। जो भक्त चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे बच्चों को सद्बुद्धि मिले, विद्या मिले, तो भगवान शंकर को दूध और शक्कर के साथ मिला करके उस दूध वाले जल को चढ़ाना चाहिए। विद्यासम गिरिशम यजेत, अगर संतान शिक्षित हो गई तो उन्हें संपत्ति संचय करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी विद्या के का प्रभाव से अपने आप अपना जीवन यापन कर लेंगे। जो चाहते हैं कि खूब व्यापार में वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, ऐसा तो कोई नहीं है जो ना चाहता हो माता जी की कृपा, तो वह भी भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त होगी। जो चाहती हो तो गन्ने के रस के द्वारा माता भवानी सहित भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। महाराज हर एक काम में विघ्न बाधा आ रही हो, काम नहीं बन पा रहा हो, आए दिन जाई हाथ डालते हैं वहीं नुकसान होता है, ऐसे व्यक्तियों को शहद पानी में मिला करके घोल करके और फिर रुद्राभिषेक करना चाहिए, निश्चित ही भगवान शंकर बिगड़े हुए काम बना देते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों ऐसा लगता है कि देव पितर प्रसन्न नहीं है, बारंबार जीवन में संकट आता है तो भगवान शिव का घृत के सहित अभिषेक करना चाहिए। जिनके शरीर में नाना प्रकार की आदि व्याधियां रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें व्याधि उत्पन्न हो रही है, कुसोदम व्याध शांत कई ही, रात बढ़िया शुद्ध गंगा जल में कुसे कुसा को भिगो दे और उसका पानी जब उस कुस का उदक बन जाए, कलर छोड़ दे उसका, उस छान करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने पर कुसोदम व्याध शांत कई ही, व्याधि की शांति होती है। महाराज शत्रुओं से बड़े परेशान हैं, लोग परेशान करते हैं, तो भगवान शंकर को राई के पुष्प चढ़ाना चाहिए पीले पीले, इसे भगवान प्रसन्न हो करके शत्रुओं के हृदय को बदल देते। भाई काहे को परेशान कर रहे हैं, वो अपना है, अब उसका भी कुछ ना बिगड़े, भगवान उसको मारे नहीं उसे मोड़ दे, जो हमसे दुराभाव रखता है उसका भाव सद्भाव में बदल जाए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योजेना जेता परशम पुरुम, अगर कोई भगवान श्री हरि की चरणों में भक्ति चाहता हो, राम की भक्ति चाहता हो, तो मुक्ति चाहता हो, तो गंगा जल के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करें, जिसे भगवान शंकर मुक्ति प्रदान करते हैं। बोल शंकर भगवान की। सूत जी कहते हैं कि हिर्षियों अब आप ये बतलाएं कि भगवान शंकर को आपने जल चढ़ा दिया, अभिषेक कर दिया, इसके बाद फिर भगवान शंकर को भस्म क्यों लगाते हैं, क्या कारण है? आज भगवान शंकर का अभिषेक और बढ़िया श्रृंगार होगा वाणी के द्वारा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों भगवान शंकर
पहली बात तो अब स्नान करने के बाद में वस्त्र धारण करेंगे। भगवान शंकर बाघंबर धारण करते हैं, क्या कारण है? कोई और भी वस्त्र धारण कर सकते थे, मृगछाला और बाघंबर दो बाबा मृगछाला का आसन बनाते हैं और बाघंबर बाबा धारण करते हैं, क्या कारण है? सूद जी कहते हैं कि भगवान शंकर परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु। आखिर बाबा को ये बाघंबर क्यों इतना प्यारा लगता है, उस बाघंबर ही धारण क्यों करते हैं? कोई और भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीतांबर श्वेतांबर नीलांबर, लेकिन बाबा को बाघंबर क्यों प्रिय है? महाराज स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, व्यास भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं जब भगवान नरसिंहा अवतार लिया था प्रहलाद की रक्षा के लिए, भयंकर रूप बनाया बाबा ने और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, और महाराज भगवान नारायण का इतना क्रोध था तो लक्ष्मी भी ठंडा नहीं कर पाई क्रोध। भागते भागते जब भगवान कोई नहीं रोक पाया तब जा करके प्रहलाद जी के कथानुसार क्रोध को त्यागे, लेकिन फिर भी इसके बाद भी बना रहा भगवान। अब विचार करने लगे कि ये नारायण अपना क्रोध जब तक त्यागेंगे नहीं तब शांताकारम भुजग सैनम कैसे आएंगे। समस्त देवताओं ने भगवान शिव के पास में स्तुति की कि बाबा आप जाइए और भगवान के क्रोध को शांत कराइए। और भगवान शंकर कितने सरल हैं और कहा प्रभु आपको क्रोध शोभा अच्छा नहीं देता है, आप ऐसा करें ये जो क्रोधा स्वरूप क्रोधाकार का जो है ये आप ये जो स्वरूप है मुझे दे दें। और भगवान नारायण ने नरसिंह रूप को त्यागा और उसी बाघंबर को प्रसादी के रूप में भगवान भोलेनाथ ने धारण कर लिया, तब से भगवान बाघंबर धारी बन गए। बोल बाघंबर धारी भगवान की जय हो। सूद जी कहते हैं ऋषियों भगवान ने बाघंबर धारण किया, वस्त्र पहने हुए हैं और भगवान शंकर की पूजा चल रही है वाणी के द्वारा। लेकिन पूजा कितनी बढ़िया भी हो जाए, वस्त्र तिलक चंदन बिलपत्र पुष्प आदि लग जाए, जब तक बाबा नहीं आएंगे तो हम श्रृंगार कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बाबा को बुलाएं। ऐसा कौन सा लोग घंटी बजाते हैं कि बाबा हम आ गए हैं, अरे हम तो आ गए पर बाबा आए तब तो बात बने, बाबा कैसे आएंगे? तो भगवान शंकर को बजाने जब कोई बजाता है डमरू डमडम करके और पूजा करता है बाबा को बुलाता है तो बाबा पधारते हैं। हम वाणी से श्रृंगार कर रहे हैं पर बाबा आए सन्मुख और फिर वाणी से श्रृंगार करें तो भाव से बाबा को आप बुलाए, बाबा आप हमारे शिव महापुराण में पधारे। अरे डम डम डमरू बजाना होगा भोले, डम डम डमरू बजाना होगा भोले, मेरी कुटिया में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा भोले, मेरी कुटिया में आना होगा। भोले मेरे सत्संग में आना होगा, भोले मेरे सत्संग में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा भोले, मेरी कुटिया में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा भोले, मेरी कुटिया में होगा। हाथों को ही डमरू बजाते हुए बनाते हुए जय हो। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ ऊपर करते हुए जय हो बाबा भोलेनाथ की जय
सावन के महीने में गंगा जल लाएंगे, सावन के महीने में हो, सावन के महीने में हम गंगा जल लाएंगे, वही गंगा जल हम शिव को चढ़ाएंगे, वही गंगा जल हम शिव को चढ़ाएंगे, सावन के महीने में हो, सावन के महीने में गंगा जल लाएंगे, वही गंगा जल हम भोले को चढ़ाएंगे, वही गंगा जल हम भोले को चढ़ाएंगे, फिर तो भजन और कीर्तन होगा, फिर तो भजन और कीर्तन होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा, सावन के महीने में हम बेल पत्र लाएंगे, सावन के महीने में हो, सावन के महीने में हम बेल पत्र लाएंगे, सावन के महीने में हम बेल पत्र लाएंगे, वही बेल पत्र हम भोले को चढ़ाएंगे, वही बेल पत्र हम भोले को चढ़ाएंगे, सावन के महीने में हम बेल पत्र लाएंगे, वही बेल पत्र हम भोले को चढ़ाएंगे, वही बेल पत्र हम भोले को चढ़ाएंगे, और थाली में फूल और चंदन होगा, थाली में फूल और चंदन होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा, भोले बाबा भोलेनाथ की, ऐसे नहीं भैया दोनों हाथ ऊपर करते हुए जय हो, सावन के महीने में हम भांग धतूरा लाएंगे, सावन के महीने में हो, सावन के महीने में भांग धतूरा लाएंगे, भांग धतूरा लाके हम भोले को चढ़ाएंगे, भांग धतूरा लाके हम भोले को चढ़ाएंगे, फिर तो भोले का भोग लगेगा, फिर तो भोले का भोग लगेगा, भोले तेरी कुटिया में आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भोले तेरी कुटिया में आना होगा,
सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में, ओ, 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 सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, कावड़ लेके आएंगे हम भोले को मनाएंगे, कावड़ लेके आएंगे हम कावड़ को मनाएंगे। फिर तो अरे फिर तो शिव का जय जयकार लगेगा, फिर तो शिव का जय जयकार लगेगा, बोले मेरी कुटिया में आना होगा, बोले मेरी कुटिया में आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, बोले मेरी कुटिया में आना 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 हो, बोले मेरी कुटिया में आना हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शिव डमरू बजाते हैं तो भगवान भोलेनाथ पधारते हैं। और महाराज एक सिद्ध संत का कथन है, भगवान शंकर दो बात को बहुत जल्दी सुनते हैं, और डमरू बजाने जो डमरू बजाता है और एक जो बम 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 करता है, बम विश्व बम भोले करता है ना दक्ष, उन्हें भगवान की याद आ जाती है जो बम बम करके दक्षिणी स्तुति की थी भगवान शंकर ने जब सर काट दिया था, इसके बाद जब स्तुति की बम बम करके बकरे का मुख लग गया था, तो ये बात सुन करके भोलेनाथ जब कोई बम बम करके और डम डम डमरू बजाता है तो भोलेनाथ सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और डमरू बजाने वाले को तो बाबा माला माल कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे सबके पास डमरू ना हो तो हाथ तो डमरू दिया है भगवान ने। बोल शंकर भगवान की, हर 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 महादेव। अरे भाई जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर होती है, तो भले ना करो तो यहां तो जरूर ऐसा करना चाहिए, भगवान स्वीकार करें हमारी प्रार्थना। सूद जी कहते ऋषियों भगवान को शिव को डमरू बहुत पसंद है। सूद जी का आपको पता ही है भगवान को गंगा धारण क्यों किया, भागीरथी जब माँ गंगा को लेकर आ रहे थे और त्रिभुवन में कोई रोकने की सामर्थ्य नहीं थी, भागीरथी ने बहुत प्रार्थना की, तीन जन्म तीन पीढ़ियां प्रार्थना करके चली गई महाराज, तब चौथी पीढ़ी पर भागीरथ के माध्यम से महाराज माँ गंगा आने के लिए तैयार तो हुई पितरों के तारने के लिए, लेकिन गंगा माँ ने असमर्थता बताई, बेटा भागीरथ मेरा इतना वेग है कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा, मैं फोड़ करके और पाताल चली जाऊंगी पृथ्वी को, क्या मतलब निकलेगा। तब भगीरथ के मन में यह संदेह आया कि भगवान अब क्या करें, कौन संकट टार सकता है, तब याद आए भगवान शंकर, और भगीरथ ने बोले बाबा को प्रार्थना की, भाग बाबा प्रकट हुए, क्या बात है भगीरथ। बोले महाराज इस माँ गंगा ऐसे कह रही है कि मेरा वेग जगत में कोई धारण नहीं कर सकता है। भगवान कहते हैं मैं वेग को धारण करूंगा, और भगवान शंकर विशाल जटा फैला दी, और जैसे ही माँ भगवती गंगा आई और भगवान शंकर, ऐसा लगता था मां गंगा ने अभिमान से कहा, अच्छा तो ये बाबा मेरे बेग को रोकेगा, इस बाबा की खोपड़ी फोड़ करके नीचे चली जाऊंगी मैं, मेरे बेग को कौन धारण करेगा। विशाल बेग से मां गंगा जैसी ही आई और भगवान भोलेनाथ विशाल जटा फैलाकर खड़े थे, और उसी शंकर तेरी जटा में, और आकर के सारी गंगा की वेग एकदम गुम हो गई,
गंगा विचार करने लगी कि हे भगवान अब निकलना ही बाहर हो गया, अब तक कह रही थी फोड़ करके पाताल चली जाऊंगी, भगवान की विशाल जटाओं से गंगा बाहर आ नहीं सकी। भगीरथ को लगा कि माँ गंगा नीचे गिरी है तो अवश्य ही आएंगी, और भगीरथ आगे आगे चलती है, बाबा जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ, और जैसे ही गंगा जी को देखा आधा किलोमीटर तो भगीरथ दौड़े दौड़े चले गए, और देखा तो गंगा जी तो आई नहीं, फिर लौट करके आए और कहा बाबा अभी अभी तो गंगा ऊपर से नीचे आई, कहाँ गई? भगवान भोलेनाथ ने कहा जहाँ जाना था वहीं चली गई, हमारी जटाओं में अटकी हुई हैं। भगीरथ ने कहा बाबा मैं कोई जटाओं के लिए थोड़ा बुलाया, तुम्हें तो अपने पितरों के कल्याण के लिए बुलाया था। बाबा आप कृपा करो, बहुत प्रार्थना की। गंगा ने भी कहा हे बाबा मैं आपके महत्व को समझ नहीं पाई, क्षमा करें, पर आपकी जटाएं इतना आनंद प्रदान करती हैं, मैं आपको जटा को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके पितरों का भी उद्धार हो जाए। तो बाबा ने दो जटाओं को निचोड़ दिया और दो जो धारा निकली है माँ गंगा की, उन दो जटाओं से चार धाराएं निकली, भद्रा, सीता, चक्षु और अलकनंदा। तो जो अलकनंदा नाम की नदी है, एक तो स्वर्ग गई, एक पाताल गई, एक सुतल लोक गई, और एक माँ गंगा जो मृत्यु लोक पर आई है जिसका नाम है अलकनंदा। और भगीरथ जैसे ही सामने आई है, माँ भगीरथ ने बड़ा अद्भुत माँ की स्तुति की है, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, 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 भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय हो, विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी, गंगा मैया तुम्हारी, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान ने जटाओं पर गंगा धारण किया, अब भगवान भस्म धारण करें। अच्छा, भगवान शंकर को भस्म इतना प्रिय क्यों है, क्या कारण है? सूद जी कहते हैं ऋषियों सुनो, इस भस्म की बड़ी अद्भुत कहानी है। भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा जगत में अगर कोई प्रिय है तो राम नाम, जिसे निरंतर जाप करते रहते हैं। एक दिन की बात है, बाबा भगवान राम का स्मरण करते विचरण कर रहे थे, अपनी कैलाश की ओर जा रहे थे कि एक गांव से निकले और कोई व्यक्ति मर गया। मरने के बाद उसको लोग सब शमशान ले जाते हैं, सारी प्रक्रियाओं से आप सब परिचित है, लोग लेकर के जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम कहो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ऐसे ही बोलते हैं ना, सत्य बोलो गत्य है, मतलब गति होगी, राम नाम सत्य है। और जैसे ही सब लोग एक स्वर में राम नाम बोल रहे थे, सुस्वागतम महाराज महाराज जय जय, राम नाम सत्य कह रहे थे, तो बाबा ने सोचा भैया ये तो अपने पार्टी के मालूम पड़ते हैं, राम नाम हम भी जपते हैं और राम नाम ये भी बोल रहे हैं, इसके मतलब ये हमारे ही हैं, फिर तो जो राम का है वही मेरे बाबा का है। भोलेनाथ साथ में हो लिए, सब बहिरंग रूप में थे, बाबा अंतरंग थे, बाबा किसी को दिखाई नहीं देते, बाबा सबको देखते थे, सब एक साथ बोलते जाते थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य, बाबा भी कह रहे थे बात सही है, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये बात बिल्कुल, बड़े सत्संगी है ये लोग, तो
बाबा को सत्संगी बहुत प्रिय, बाबा को लगा जहां विश्राम होगा वहीं अपना सत्संग होगा। राम नाम के कीर्तन के बाद कथा ही होती है। बाबा इस भ्रम में जा रहे थे और जैसे ही पहुंच गए महाराज, और जैसे ही वहां पहुंचे सब चुप, मुर्दे को रख दिया गया। बाबा को लगा अब चुप होंगे तब हम चालू होंगे, लेकिन महाराज देखने लगे कि लोगों ने बात करना चालू कर दिया। एक व्यक्ति तो अब देखो मुर्दे की जलाने की तैयारी हो रही है, अब आपस में खड़े खड़े लोग बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम्हें कब पता चला कि ये मर गए? आपस में बातें कर रहे हैं धीरे धीरे, तुम्हें कब पता चला कि ये मर गए? वो व्यक्ति ऐसा टेंशन में बोल रहा है जैसा कोई मर तो गए इनका सब कुछ ले गए हो। बोले अरे भाई क्या बतलाएं, जैसे पता चला वैसे ही आना पड़ा हमको, आना पड़ा मतलब आना नहीं चाहते, आना पड़ा। बोले ऐसे क्यों कह रहे हो आना पड़ा, वो दुनिया छोड़कर जा रहे हैं और तुम्हें आना पड़ा कह रहे हो? बोले बात ऐसी ना कि हम तो देखो दुकानदार ठहरे, व्यापारी हैं। अब बताओ दुकान खोलने का समय हम यहाँ अड़े हैं और हमारे दुकान के सामने ग्राहक खड़े हैं। बताओ ग्राहक और मौत किसी के साथ नहीं जाते, इनकी मौत हुई तो हुई और हमारे ग्राहक भी गए, बताओ हमारा तो भाग ले गए। बोल शंकर भगवान की जय। सूद जी कहते हैं कि ऋषियों ये जो कथा है ना ये समाधि भाषा की है, आंखें भले खुली रहें लेकिन ये जैसे कथा में कुछ भी हुआ इधर उधर की कनेक्शन कटा, इसलिए श्रोता बड़े सावधान रहते हैं और आप लोगों को तो कहना ही नहीं पड़ता। और समय सीमा बहुत एकदम बंधी हुई है, इतने बजे बंद ही कर देना है, इसलिए किसी भी प्रकार का विक्षेप ना हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक ने तो हद कर दी, वो भी आ गया दो के बात करते करते, लिए हाथ में कुछ पेपर लपेटा हुआ था। उसने कहा भाई, वो भी आके सुनने लगा ये क्या बातें कर रहे हैं। भाई देखो, एक ने कहा कि भाई हमारा तो मकान बन रहा है, मजदूर आए वो चले जाएंगे, मजदूर मिलना बड़ा मुश्किल है, बताओ लो आधा अधूरा, ये तो चली गई चोते, ये तो शमशान में आ गए तो क्या हम भी मकान में ना रहें। एक व्यक्ति लेकर बिजली का बिल लेकर के आया था, बोले जा रहे हैं आज अंतिम तारीख है, अगर पेनाल्टी लगी तो क्या ये देने आएंगे? हे भगवान, भगवान शंकर सबकी सुन रहे हैं। एक आदमी ने तो महाराज हद कर दी। वो आया, सोमवार का दिन था, आपस में सब चर्चा करे तो बोले महाराज क्या बतलाएं, सोमवार की हमारी छुट्टी रहती थी। अच्छा ये बतलाओ, ये संडे को नहीं मर सकते थे? इस बेदर्दी ने एक दिन की छुट्टी की भी छुट्टी कर दी, ये तो गए ही गई, क्या ये संडे? हे भगवान, भगवान शंकर ने कहा ये मर गए, ये दुनिया से चले गए, इस बात का किसी को गम नहीं है, सब दल बदल हुए। अभी तक राम नाम सत्य कह रहे थे और देखो अब आते ही, और भगवान शंकर सबको सोच रहे थे कि बढ़िया श्रोता है इनको कथा सुनाएंगे और कीर्तन के बाद में कथा। और जैसे ही भगवान सबको परखते परखते मुर्दे की ओर दृष्टि डाले, भैया सत्य तो वही था जिसके कारण राम नाम गाया जा रहा था, वो किधर है? और देखा तो धू 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 करके जल रहा था, राख हो गई और बाकी सब लोग एक एक करके सब चले गए। भगवान शंकर ने कहा भैया तुम ही बहुत सच्चे हो, बाकी तो सब छोड़ करके चले गए। जिनके कारण राम नाम गाया गया है, मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें हृदय लगाना चाहता था, तुम तो जल के राख हो गए, पर कोई बात नहीं, जिसके लिए राम नाम गाया गया हो उसकी राख भी पावन है। ऐसे राम नाम
रूपी राख को मैं अपने हृदय से लगाऊंगा। और भगवान भोलेनाथ ने उसी मुर्दे की राख को लपेट करके भगवान का अद्भुत कीर्तन किया, बोल शंकर भगवान की जय। इसलिए भगवान शंकर राम के कारण सारा काम करते हैं, इसलिए भगवान भस्म धारण करते हैं, चंदन इसलिए लगाते हैं कि बहुत ठंडा रहता है, चंद्रमा भी इसीलिए धारण करते हैं, हलाहल विष पिए थे तो कुछ रहे। सूद जी कहते हैं कि भगवान शंकर वागंबर धारण, भगवान शंकर शेषों को क्यों धारण करते हैं, वासुकी नांग को क्यों धारण करते हैं, वासुकी नांग भी परोपकारी है। कारण कैसे, जब समुद्र मंथन हुआ, आप सब कथा से परिचित है, देवदानों के बीच में भगवान ने कहा कि मद्राचल पर्वत को मथानी बनाई जाए और वासुकी नांग को रस्सी बनाई जाए, और वासुकी नांग के पास ये दोनों गए, देवदानों कहा कि हे नांगराज आपको नमस्कार है, चलिए आप मद्राचल पर्वत लिपट जाइए। बोले क्या करोगे, बोले समुद्र मंथन करेंगे, तरफ पूछ पकड़ेंगे, दूसरी तरफ तुम्हारी मूछ पकड़ेंगे, और फिर दोनों तरफ से रगड़ा लगेगा, फिर क्या होगा, बोले अमृत निकलेगा, हम पिएंगे। नागराज ने कहा हड्डी हमारी टूटेगी और अमृत तुम पियोगे, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत स्वार्थी हो तुम। बोले ना ना ना, ऐसा मत समझो, सारा संकट को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने परोपकार का बीड़ा उठा रखा है, ये भगवान शंकर की अध्यक्षता में हलाहल विष निकलेगा तो वही पहले पान करेंगे। नागराज ने सोचा वाह भगवान भोलेनाथ कितने कृपालु दयालु हैं, और इसलिए नागराज तैयार हुए। नागराज की साधुता को देखते हुए भगवान, जैसे ही भगवान शंकर ने वासुकी को स्वीकार किया, एक कथा और आती है भाई, जब समुद्र भगवान शंकर ने स्वीकार किया, भगवान भोलेनाथ ने जब हलाहल विष पिया था तो विष की कुछ बूंदें गिरी थी, तो नागों को लगा कि बाबा इतने चाव से क्या पी रहे हैं, क्या स्वाद है, नागों ने चाटा तो नाग भी बड़े विषधर हो गए, और महाराज परिणाम यो हो गया, उस विष चाटने के परिणाम स्वरूप नागों को जो कोई भी देखता है तो महाराज कुचल के रख देता है, ये खा लेगा काट लेगा। एक दिन समस्त नागों ने निर्णय किया कि भैया आज जो हम कुचले जा रहे हैं इसमें कारण भगवान शंकर हैं, अगर उनके गले में नहीं लिपटते और उनके टपकते हुए अमृत को नहीं, टपकते हुए विष को नहीं चाटते तो विषैले ना होते और आज हम कुचले ना जाते, तो जिसके कारण ये हुआ उसी के पास चलो। सारे नागों ने आकर भगवान शंकर से कहा प्रभु आपने हमें क्यों बनाया, क्या बात है, क्या तकलीफ है। बोले तकलीफ की बात करते हो महाराज, जो अगर हम दुनिया में जाते हैं कि हमें भी सर्दी गर्मी लगती है और बाहर निकल जाएं और थोड़ी सी हवा लेने के लिए जाएं तो दुनिया कुचल करके फेंक देती है, महाराज इसमें हमारा क्या दोष है, क्योंकि एक नाग ने कहा हमारा, भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा क्यों दोष नहीं, एक नाग ने कहा सरकार ये सब आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है ये सब कुछ, भगवान शंकर ने कहा हमारी कौन सी कृपा है, हमने कब किसी मनुष्य को कहा कि तुम नाग को मारो, कहा आपने तो नहीं कहा पर आपके संग का ये सत्संग का फल मिला है। बोले हमारे सत्संग का, बोले हाँ बाबा आपके गले में लिपटे थे और हमने भी चख लिया है जो आप पिए हैं। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो दुनिया तुम्हें कुचल देती है तो कोई बात नहीं है। बोले हमको महाराज इस दुनिया में रहने ही नहीं है, हमारे लिए तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। बाबा ने कहा जिसके लिए दुनिया के दरवाजा बंद है उसके लिए हमारे घर का दरवाजा खुलता है, जहां अच्छा लगे वहीं आ जाओ लटक जाओ। और तुरंत सर्पों ने भगवान शिव के गले से प्रेम से लिपट गए। वाह बाबा हम जैसों को भी आप इतना स्वीकारते हो, हैं कितने कृपालु दयालु हो, जिसे दुनिया देखते कुचल देती है। और बाबा ने हृदय से लगा लिया ऐसा कृपालु ऐसा दयालु और कौन होगा, बोल शंकर भगवान। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों अब भगवान शंकर को बेल पत्र चढ़ाया जाता है, भगवान को बेल पत्र बहुत पसंद है,
तदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एक बिल्वं शिवार्पणम्। शिव को अगर एक बिल्व, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप त्रिदल है, तीन दल का बिलपत्र जो चढ़ा देता है, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की बड़ी महिमा है, बिलपत्र चढ़ाते ही बाबा प्रसन्न होते हैं, और जो भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र चढ़ाता है, बाबा प्रसन्न होकर के उसे माला माला माल कर देते हैं। तो महाराज, बिलपत्र की उत्पत्ति कैसी हुई है? बिलपत्र की बड़ी अद्भुत महिमा गाई गई है। ऐसा वर्णन है, बिल्वपत्र की उत्पत्ति शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शंकर के श्वेद से उत्पन्न हुआ है, पसीने से। एक बार भगवान शंकर घोर तप कर रहे थे मद्राचल पर बैठ करके, और भगवान शंकर के सहसा क्षोभ हुआ, समाधि भंग हुई, और भगवान के ही शरीर से फिर पुनः समाधि लगाने का प्रयास कर रहे थे। कभी कभी ध्यान नहीं लगता तो बहुत दिमाग लगाते हैं, पसीना पसीने हो जाते हैं, वहीं से पसीना टपका और तीन बूंद पसीना टपका, उसी से त्रिदल बिलपत्र प्रकट हो गया। तीन शाखाओं वाला वो बेलपत्र प्रकट हो गया। सूद जी कहते हैं, मूल तो ब्रह्म रूपाया मध्य दे विष्णु रूपिणे अग्र तो शिव रूपाया बिल्व वृक्ष नमोस्तुते। मूल तो ब्रह्म रूपाया, जो तना जड़ है वो ब्रह्मस्वरूप है, जो शाखाएं मोटी हैं वो विष्णु स्वरूप है, और जो सुकोमल है वो सब शिव स्वरूप है। ऐसा वर्णन करते हुए कहते हैं, और एक वर्णन और है, लक्ष्म्यास हृदय उत्पन्नम महादेवम सदा प्रियम। माता लक्ष्मी के स्कंद पुराण वर्णन आता है, संतों का ऐसा कथन है, मां ये कल्पांतर भेद है, कल्प का भेद है, किसी कल्प में माता महालक्ष्मी के हृदय से ये भगवान शिव की परम अनुरागिनी माता लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्म्यास तन उत्पन्न महादेव सदा प्रियम, लक्ष्म्यास हृदय उत्पन्नम, महादेव बहुत प्रिय है, तनाव में शाखाओं में दक्षिण शाखाओं में माहेश्वरी निवास करती है, पत्तियों में माता पार्वती निवास करती है, फलों में माता कात्यायनी निवास करती है, फूलों में माता गौरी निवास करती है। जल्दी फूल दिखते नहीं बेलपत्र के, मां गौरी का उस पर निवास है। और सूत जी कहते, ऋषियों बिल पत्तों में माता लक्ष्मी का निवास है, और जो ऊपर का जो बिलपत्र चढ़ाते हैं, और बिलपत्र में जो ऐसी ऊपर की अग्रभाग है उसे सदैव तोड़ करके ही चढ़ाना चाहिए, नहीं तो भगवान शिव को वज्राघात होता है। और दूसरा कारण है, उस पर ज्येष्ठा का निवास है, ज्येष्ठा है लक्ष्मी की बड़ी बहन, जिसका दूसरा नाम दरिद्रा है। ऋषियों ने कहा, महाराज इतना सुंदर पवित्र उसमें दरिद्रता कैसे निवास करने लगी? देखो भाई, दुनिया में हर एक वस्तु का एक्शन और रिएक्शन है, बड़ी सावधानी से। महाराज, ज्यादा भोजन कर लिया, कम भोजन किया तो अशक्ति, और ज्यादा भोजन कर लिया तो महाराज उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो एक संतुलन होना चाहिए जीवन में हर एक प्रकार का, तो उसका सदुपयोग आना चाहिए। तो महाराज, जिस बिल्व वृक्ष से इतनी सुंदर उत्पत्ति होती है, तो ये दरिद्रता कहां से आ गई? तो बड़ी सुंदर बात, बड़ी सुंदर कथा वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋषियों सुनो, ये जो ज्येष्ठा है ये लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है,
आपको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, माता महालक्ष्मी प्रकट हुई, भगवान नारायण ने विवाह किया, समुद्र की बेटी है। अब महाराज प्रायः ये देखा जाता है किसी पिता की दो पुत्री हो तो पहले ज्येष्ठ पुत्री का विवाह होता है बड़ी बेटी का, फिर छोटी बेटी का होता, पर यहां उल्टा हुआ महाराज। पहले विवाह लक्ष्मी जी का हो गया, धूमधाम से बारात आई और भगवान विदा करके लेकर गए लक्ष्मी को। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता, हर एक आदमी चाहते हैं। सूद जी कहते हैं कि ऋषियों, लेकिन उस ज्येष्ठा जो बड़ी बहन है उसको कोई भी नहीं पसंद करता, दरिद्रता को। पूरी दुनिया में बर खोजा, बुढ़ापा और दरिद्रता जिसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। थोड़ी कुरूप भी थी और बड़ी उम्र। अब छोटी बेटी का ब्याह हो जाए और बड़ी का ना हो जाए तो ब्याह उसका है और बातें पूरे गांव में चलती हैं। छोटी बिटिया का ब्याह हो गया और बड़ी को कोई पूछ ना रहो, कोई ना कोई बात होगी, इसलिए तो ब्याह नहीं हो रहा। लो, घर से ज्यादा पड़ोसी को टेंशन होता है और नाना प्रकार की चर्चा होती, कुछ ना कुछ तो बात होगी तभी तो ब्याह नहीं हो रहा। महाराज ये बातें सुन सुन करके ज्येष्ठा बड़ी परेशान हुई। एक बार लक्ष्मी ससुराल से लौट करके आई और ज्येष्ठा ने कहा कि अरे देख, मैं एक बिचारी अपनी बहन को विवाह हो गया और छोटी बहन ब्याही विवाह हो गया और बड़ी बहन कुमारी बैठी हूँ, बड़ी दुखी रहती थी तो आखिर बहन बहन की बात मानती है। लक्ष्मी ने पूछा, बहन इतनी दुखी क्यों रहती है? बोले, ये कोई पूछने की बात है? तेरा ब्याह होगा नहीं होता तो पता चलता, तू बड़ी होती तो पता चलता मुझे कितनी पीड़ा, दुनिया क्या क्या कहती है, कैसे कैसे कमेंट करती है, मुझे पता है कितनी तकलीफ मुझे होती है। अरे इसमें डरने, इसमें परेशान होने की क्या बात है, समय आएगा तो तेरा भी हो जाएगा। बोला, अब कब तक समय की प्रतीक्षा करूं, 40 तक तो पहुंचने वाली हूं, इसके बाद कौन पूछेगा। लक्ष्मी ने कहा, सो तो बात है बहन। तो एक दिन कहा कि, लक्ष्मी ने कहा, कोई नाते रिश्तेदारों से आपस में चर्चा नहीं की पिताजी? बोले, बहुतों से किया, बहुत आए भी पर किसी देखते ही भाग गए, नाम सुना, दरिद्रता के साथ कौन विवाह करेगा। बोलो हर हर महादेव। पर दरिद्रता ने कहा, लक्ष्मी सी बहन, मैंने ब्याह के समय तुम्हारे जो पति देव है ना, उनका ठाट बाट देखा था, ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र कुबेर वरुण हाथ जोड़े लाइन लगाए स्वागत में खड़े थे। मैंने सुना है तुम्हारे पतिदेव की त्रिभुवन में बड़ी महिमा है। बोला, हाँ बहन वो बात तो है, तो देख तो क्या एक बहन की बात मानेगी, बोल। बोले, एक अगर तेरे पतिदेव हैं तो मेरा भी तो कोई ना कोई संबंध है, मेरे जीजा जी हैं, तो देख एक बार मेरी तरफ से निवेदन कर देना, मेरा भी कहीं जुगाड़ लगा दे। लक्ष्मी ने कहा, अवश्य। चर्चा चली ही रही थी, ऋषियों की संयोग से ठाकुर जी लेने लिवाने के लिए आए गए हैं। अरे लक्ष्मी ने कहा, लो बात बन गई, अब मैं क्या कहूं, तुम ही कह देना। दुनिया की बात खाली चली जाए पर साली की बात खाली नहीं जाएगी। अब तुम्हारा नारायण की सेवा में जल लेकर जाना, फल लेकर जाना, अल्पाहार लेकर जाना, स्वागत में रहने लगी। भगवान अंतर्यामी ठहरे, अंतरात्मदृग जान गए सब। भगवान कम कौतुकी नहीं है, बड़े मजा किए, आखिर पूछ ही दिया, तो आप गई नहीं कि आए नहीं? लो, हर के व्यंग वचन नहीं जाही, ये तो महादेव जी को भी नहीं छोड़े, बिचारी का नंबर नहीं लगा और ये कह रहे आप गई नहीं कि वो आए नहीं। कहा, जीजा जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बोले, मतलब? बोले, बाबा आपसे क्या मतलब, क्या आप तो बहुत
जो हम सोचे नहीं थे उससे भी आगे निकल गए। आप आए और हमारा तो नंबर था, पर आप हमारी छोटी बहन को लेकर के चले गए। भगवान ने कहा ओ तो नंबर आपका था, ये बात है। तो कहा देखिए आपने गलत किया है, हमारे नंबर पर आप गलत नंबर पर लेकर गए तो आपको हमारा नंबर लगाना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छी बलाई पूछ ली हमने भी, कभी कभी क्षेम कुशल पूछना भी खतरनाक हो सकता है। भगवान ने सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति भी आ जाएगी। भगवान ने कहा तो फिर अंततः कहा कहीं और लक्ष्मी जी भी आ गई। लक्ष्मी ने कहा कि सरकार कहीं कृपा कर दे। भगवान ने कहा अवश्य बात करेंगे। भगवान इस बार जब गए बहुत से लोगों से बात किया, कौन दुनिया में तैयार होगा जो दरिद्रा को स्वीकार करे। सबने कहा सरकार अगर आपकी आज्ञा तो हम टाल नहीं सकते हैं, अगर ऐसे ही ब्याह कराना तो गले में पत्थर बांध दो, कुएं में डाल दो, इससे अच्छा कि हम पधार जाएं पर ब्याह नहीं करेंगे हम। परेशान हार के और जब इस बार लक्ष्मी नारायण स्वयं आए और दरिद्रता ने दोनों जोड़ा कर देखा तो आंख भर आई, और लक्ष्मी ने जो बहन को दुखी देखा अब सहन नहीं हुआ। आखिर बहन है, भगवान से लक्ष्मी ने अब निवेदन किया प्रभु आप सर्वज्ञ हैं सर्वसमर्थ हैं, आपको एक मेरा निवेदन है, मेरी बहन का ब्याह कराना होगा। ये निवेदन है कि आदेश है? जब विवाह में पहले शुरुआत में तो निवेदन ही होता है, दो चार बार जाने के बाद में फिर यही आपको मेरा निवेदन है कि आपको मेरी बहन का ब्याह किसी भी हालत पे करवाना होगा, ये तो ऑर्डर हो गया आदेश। भगवान ने कहा जरूर। भगवान ने कहा कि जब तक ये ससुराल में आएंगे ना और जब तक ये बैठी रहेंगी तब तक ऐसे ही टेंशन रहेगा, ही चैन से रहने नहीं देंगे, इसलिए भगवान तो ससुराल में आसन जमाना चाहते हैं। बोले इसको विदा करें तब आसन अपना पक्का जमेगा ससुर जी के यहाँ। इसलिए भगवान जिस जिसको बात करते सब मना कर देते हैं। आखिर भगवान ने विचार किया कि जो मना न करे आज इससे बात करेंगे, और भगवान की बात को मना नहीं करते संत। एक ब्रह्मचारी जी के आश्रम पर पहुंच गए, कीर्तन हो रहा था, भगवान सरल रूप बना करके महाराज जी दंडवत दंडवत किया, बड़ा सुंदर बड़ी मधुर वाणी बड़ा सुंदर स्वरूप था। भगवान छद्म वेश में थे। दास का एक निवेदन है ब्रह्मचारी जी कहो क्या बात है? अच्छा ये बताइए जो आप ये कीर्तन भजन पूजन ये सब किसके लिए करते हैं? बोले ये सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अच्छा तो क्या क्या उनके लिए? बोले सर्वस्व जीवन, ये उन्हीं के लिए निछावर है, ये जीवन हवाले हैं तुम्हारे चरणों में, प्रभु के चरणों में। अच्छा तो मतलब आपका उठना बैठना खाना पीना जितनी भी आपकी दिनचर्याएं हैं वो सब ठाकुर प्रसन्नता के लिए? बोले हाँ। तो अगर भगवान आप गृहस्थ हैं? बोले नहीं नहीं हम ब्रह्मचारी हैं। अच्छा तो सब भगवान के लिए, अगर भगवान आकर आपसे कह दें कि आप ब्याह कर लो तो आप ब्याह कर लेंगे? अरे कहा तुम ब्याह की बात करते हो और भगवान कह दें कि तुम मर जाओ तो हम मरने के लिए तैयार हैं। वाह भाई मान गए महाराज, बदलना मत। अरे महाराज एक बार पूछ करके देखें, आजमा करके देख ले प्रभु। अच्छा तो बात रही पक्की? अरे कहा पक्की बात है, आकर अगर कह देंगे ब्याह तो तुरंत ब्याह करने चल देंगे हम। भगवान तुरंत प्रकट हो गए असली रूप में, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हो गए, कहा हम ही है। अरे सरकार आप कहिए क्या बात है? बोले बस कुछ नहीं, ब्याह करना है आपको। बोल शंकर भगवान की। तो ब्याह है अवश्य, ठाकुर जी ने कहा फिर चलो। संत ने एक क्षण भी विचार नहीं, अखंड ब्रह्मचारी का व्रत लिए हुए थे, चल दिए पीछे। कहा बाबा ऐसा ही,
एक लंगोटी और एक धोती और एक गमछा ऐसे ही डाले तो ऐसे ही ब्याह करने चलोगे? बोले सरकार को हम अपनी इच्छा से थोड़ा करने जा रहे हैं, आपकी इच्छा से कर रहे हैं, आपको जैसा करना वो करो, आपको हम तो आप जैसे कहें, हम तो दूल्हा बने नहीं न बनना जानते। सर भगवान ने कहा बढ़िया वस्त्र आदि मंगाए और चकाचक दूल्हा बनाए, जैसे ही वस्त्र पहनाए पहन लिए महात्मा, अपनी इच्छा से तो कुछ है नहीं, सब ठाकुर इच्छा। वस्त्र मुकुट हार पहनाए बाबा उसमें मस्त चल दिए और बढ़िया अद्भुत रूप। संत तो संत बड़े सरल, और लक्ष्मी जी पहले भगवान को जानती थी इसलिए दुल्हन को घूंघट में डाल करके सब तैयार कर, कहीं बाबा बिदक ना जाए दुल्हन देख करके। और ये दोनों जन बड़े ही कौतुकी हैं, लक्ष्मी और नारायण। भगवान बरराजा को लेकर आए और मुस्कुराते जाए, लक्ष्मी जी ने इशारा किया कि पोल मत खोलना, यहाँ पर कम से कम विदा कैसे भी हो जाए यहाँ से, सबकी समस्या है, माता पिता घर पर पूरा परिवार परेशान है। सरकार एक बार आप इसका आप बहुत आपकी कृपा। अरे दुल्हन बनी, साली ने कहा जीजा जी आपके उपकार को जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ मैं। कहा ठीक है, ब्याह हुआ, मंगल गीत गाए गए, कोई बराती नहीं, खुदा ही भगवान बराती भी और घराती भी विवाह करवा करके स्वयं साथ में लेकर के आए। दरिद्रता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं कि मेरा भी ठाकुर ने जमा दिया। और जैसे ही आए और मंदिर में कीर्तन चल रहा था, हरी शरणम लगा लो प्रेम से नारा, हरी शरणम लगा लो प्रेम से नारा, हरी शरणम। मरे दर बार में जब द्रौपदी की लाज जाती, भरे दर बार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल हो करके उचारा, हरी शरणम विकल हो करके उचारा, हरी शरणम राम शरणम। अद्भुत संकीर्तन हो रहा था भगवान का। जैसे ही कीर्तन हुआ कि बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, नाचने लगे दूल्हे की वेश में,
और कहा आ जाओ अंदर, आ जाओ, स्वागत हो रहा है, ब्याह करके आए तुम्हारा, आ जाओ। वो बाहर खड़ी हो गई, नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती। बोले क्यों नहीं आ सकती? बोले जहां पर हरिनाम संकीर्तन होता है, जहां प्रभु की कथा होती है, जहां कीर्तन होता है, वहां तो मेरी छोटी बहन लक्ष्मी का निवास होता है। मैं दरिद्रता वहां कैसे रह सकती हूं? मैं दरिद्रता हूं, मेरा निवास नहीं है। मैं तो वहां रहती हूं जहां लोग सूर्योदय तक सोते हैं, जिस घर में अतिथि नहीं आते, जिस घर में माता पिता का सम्मान, सदगुरु संत का सम्मान नहीं होता, जहां प्रभु की कथा कीर्तन कभी नहीं होती है, ऐसे जगह पर मुझ दरिद्रता का निवास है। जहां प्रभु का कीर्तन होता है, जहां कथा होती है, जो लोग कथा और कीर्तन में जाते हैं, वहां पर मैं नहीं जा सकती हूं। बोलो हर हर महादेव। आप समझ गए होंगे कि जो कीर्तन करते हैं, जो कथा सुनते हैं, उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। तो तुरंत बाहर निकले। अच्छा, आपने देखा हो कि दूल्हा और दुल्हन का गठजोड़ा होता है, बाबा की वो गमछे में गठजोड़ा जुड़ा हुआ था, वो दुल्हन की चुनरी थी। ओ बाबा ने कहा तुमको आना है तो आओ, हम तो अपने आश्रम में चलते हैं, ठाकुर सेवा में 2 दिन में विलंब हुआ। ओ बाबा वो चुनरी लिए हुए है, उसकी गठजोड़ा पहने बाबा घुस गए। चेलों ने कहा गुरुमा लेने गए थे, कहाँ है? बोलो जो खड़ी है और आई नहीं, और दरिद्रता पुनः वापस लौट करके चली गई। इधर जब से विदा करा दिए थे, ससुराल में ठाकुर की ठाट की सेवा हो रही थी। कुछ भी हो जाए, जो जमाई अपनी छोटी साली या बड़ी साली का ब्याह करा दे, उसके तो ठाट हो जाते हैं कि इनकी कृपा से ये काम हो गया। इन्होंने अपना तो किया ही और हमारी छोटी बिटिया का भी विवाह करा दिया, और बहुत बड़ा काम है भाई। अरे भगवान की जय जयकार हो रही थी। भगवान ने कहा कि ससुर जी ने भी कहा कि आपके उपकार को मैं नहीं भूल सकता कभी भी। इतना बड़ा टेंशन था जो बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा था, और आप कृपा कर दें तो क्या नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा पक्का मत मानो कि हमने करा दिया है। बोले नहीं नहीं आपका स्वभाव है, आप तो काम करने के बाद भी कर तुम समर्था सही स्वरा, करने कराने वाले आप हैं, आप सदैव यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। भगवान ने कहते इस बार तो लग ही रहा है ऐसा कि सफल हो जाए तभी बात माने। चर्चा चली ही रही थी कि फिर आ गई रोती रोती लौट के। घर वालों ने सर पे हाथ मारा, हे भगवान कैसे, वैसे तो मंगल कार्य हुआ था, फिर लौट कर आ गई अपना मुंह लिए, क्यों आ गई, क्यों झगड़ा करके आई? बोले अरे पूरी बात तो सुनो, झगड़े की बात ही नहीं है, वहां तक मैं घुस ही नहीं पाई हूं, मेरा गृह प्रवेश ही नहीं हुआ उसके पहले ही। क्या बात है बताई, सब अपनी अपनी बात ही, मैं कैसे जा सकती हूँ जहाँ हर एक संकीर्तन होता है, जहाँ कथा होती है, जहाँ नित्य दीप दान होता है, जहाँ प्रभु का संकीर्तन होता है, गीता भागवत ग्रंथ रखे रहते हैं, इनकी आरती होती है, संघ घंटा ध्वनि बजाई जाती है, माता पिता सदगुरु संत का, बड़ों का, अतिथियों का सत्कार सम्मान होता है, वहां तो ये छोटी बहन है ना, इसने आसन जमा रखा है लक्ष्मी ने, वहां लक्ष्मी निवास करती है, मैं भला कैसे जा सकती हूँ? तो आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मी को अगर घर बुलाना है तो भगवान का संकीर्तन, दीप शंख घंटा, आरती, संत अतिथि, माता पिता, सदगुरु, सदग्रंथों का सम्मान करना होगा, तभी महालक्ष्मी आपके घर में बिना बुलाए निवास करेगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आखिर आप परेशान हो गई, सब घर वाले बड़े टेंशन में, अब दामाद जी को भी टेंशन, क्या करें? लक्ष्मी जी ने कहा आप तो कुछ करो, अब आप एक बार मन से कर दो। भगवान ने कहा कि लक्ष्मी सच कहे, दुनिया में ऐसा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा जो हमारी साली साहब को स्वीकार करे, तो क्या जीवन ऐसे खाली जाएगा? कुछ आप करो ना सरकार, कुछ तो करो। तो पत्नी की बात प्रभु भी मानते हैं, प्रिया सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है, दोनों बहुत सम्मान करते हैं। भगवान ने कहा कि देखो बात ऐसी है, साली साहिबा बुरा मत मानना, आपके अंदर जो गुण है ना, उन गुणों के द्वारा तो दुनिया का कोई भी वर स्वीकार नहीं करेगा। रोना समूह बना ले, बोले आप बुरा मत मानो, पर दुनिया में ऐसी कोई कन्या है ही नहीं जिसके लिए वर ना बना हो। थोड़ी सी मुस्कुराहट आई,
तो कहा कि कोई बात नहीं है, आपको दुनिया में कोई वर नहीं स्वीकार करेगा, जिसके लिए दुनिया के घर के दरवाजे बंद होते हैं उसके लिए हमारे घर का दरवाजा खुलता है। अगर तुम दरिद्र हो तो हम दरिद्र नारायण बनेंगे, और तुम हम अगर हमें कोई कमी ना हो तो स्वीकार कर लो। कहा वाह सरकार क्या बात है, तो भगवान ही नारायण ही दरिद्र बन करके और जाकर के पीपल के वृक्ष में बैठ गए और कहा ला आओ यहीं पर माला डाल दो और यहीं पे दीपक जलाओ और पीपल पे गोल गोल घूम जाओ और आ जाओ हमारे सर पे सवार हो जाओ। बोले दरिद्र नारायण भगवान की, कितने कृपालु दयालु हैं, लक्ष्मी नारायण है ही है। तो भगवान अपने साली को स्वीकार करने के लिए दरिद्रता को भी स्वीकार किया और दरिद्र नारायण बनकर के ज्येष्ठा को भी अपनी पत्नी वासुदेव बनकर के जो पीपल पर निवास करते हैं। इसलिए जब जीवन में कोई काम ना बने, दुख आए, तकलीफ आए, दरिद्रता ने घेर रखे, और वैसे भी जो दीपक दीप दान करने से वो दरिद्रा भी आपको शुभ लाभ प्रदान करती है, ये भगवान ने बर दिया। तुम भले दरिद्रता हो लेकिन मैं तुम्हें भगवान सब कुछ अदल बदल देने में उनकी शक्ति है, सामर्थ्य है। भगवान ने कहा जो भी व्यक्ति दरिद्र से पीड़ित होगा और पीपल के वृक्ष में दीप दान करेगा, परिक्रमा लगाएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवा कहकर के 108 या 4 परिक्रमा नारायण की कितनी भी लगाए लेकिन 4 से कम ना लगाए, तो निश्चित ही उसकी दरिद्रता दूर होगी महाराज। तभी तो लोग ज्योतिषी लोग बताते हैं, और लोग कहीं भी पीपल मिलेगा आपको खाली नहीं मिलेगा, वहां दीपक जरूर मिलेगा, लोग दीप दान करते हैं। तो भगवान आज दरिद्र नारायण बन करके गए और लक्ष्मी की बात को माने। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बिल पत्र की महिमा का गान कर रहा था, सूत जी कहते कि हे ऋषियों, बिल वृक्ष की छांव में ये फल है, जो बैठकर गायत्री करे, कनक धारा का पाठ करे, स्त्री सूक्त का पाठ करें, महामृत्युंजय का जाप करें, तो निश्चित ही सिद्धि मिलती है। बेलपत्र नीचे बैठ करके पाठ करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर बेल वृक्ष जहां बेल का वृक्ष हो और अगर वहां यात्रा निकाली जाए, किसी की मृत्यु हो जाए और कुछ क्षण के लिए बिल्व वृक्ष के नीचे रुक जाए तो निश्चित ही उसकी मुक्ति हो जाती है। यह वृक्ष बिल्व वृक्ष की महिमा है। बिल्व वृक्ष में इतनी बड़ी शक्ति होती है, वायुमंडल में जितने भी अशुद्ध वातावरण है उसको खींच ले, सोख लेती है, ऐसी शक्ति बिल्व वृक्ष के अंदर है। और शुद्ध ऊर्जा को देने वाले बिलवक्ष और पीपल, चार पांच छह सात ग्यारह इन दलों का बिलपत्र अगर मिलता है तो साक्षात महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। उनका पूजन करके घर में फ्रेम करा करके रखना चाहिए, पूजन करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूद जी कहते ऋषियों, जो बिल्व वृक्ष जिसके संतान नहीं होती है वो बिल्व वृक्ष को लगाए, इससे वंश की वृद्धि होती है। और बिल्व वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए, नहीं तो वंशक छेदन होता है, ऐसा वर्णन है। जो सुबह शाम दर्शनम बिल्व पत्रश्च स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संघासम मेक बिल्वम शिवार्पणम। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य, दर्शन करने से ही पाप नष्ट पुण्य मिलता है, स्पर्शनम पाप नाशनम। और कहीं एक बिलपत्र तोड़कर भगवान शिव को चढ़ा दिया जाए तो अघोर पाप, छोटे मोटे पाप नहीं। बिल वृक्ष को सींचने से पितरों को तृप्ति मिलती है, पितर पक्ष में शब जनेऊ करके और अंगूठे के बल से अगर बिल वृक्ष में ही तर्पण किया जाए तो निश्चित ही शिवलोकम महीयते, उनकी सदगति होती है, ऐसा शिवपुराण में वर्णन है। और कहीं आपके मकान में या प्लॉट में या खेत में कहीं भी बिल वृक्ष और आंकड़े का, जो हनुमान जी का पत्ता चढ़ाते हैं,
मदार जिसको कहते हैं, एक साथ दोनों अपने आप निकल आए तो समझ लेना कि वो भूमि बहुत पवित्र है। जो उस भूमि पर भवन मकान फैक्ट्री दुकान जो भी बनाएगा निश्चित ही माला माल हो जाएगा। वो सफेद आंकड़ा और बिल वृक्ष दोनों, ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और उसका बीज खोज करके आप डाल दो फिर, ऐसी बात नहीं है। स्वयं अपने आप निकले तो निश्चित ही आप, ये हम प्रामाणिक बात बताते हैं। एक बार अहमदनगर जाना हुआ था, एक गाठिया वाला गुजराती है तो, और उसके बंगले पे ये दोनों चीजें हुई थी, और गाठिया फाफड़ा में ऐसा माला माल था कि पूछो मत महाराज, अहमदनगर में प्रसिद्ध। और बिल वृक्ष की एक महिमा और है, विशेषता है, जो सब लोग नहीं जानते हैं, जो सिद्ध संत हैं इस विधि को वही जानते हैं। बिल पत्र और ताम्र धातु से कोई एक साधना करके और स्वर्ण बनाया जाता है। जैसे पारस लोहे को सोना बना देती है, वैसे कोई सिद्ध मंत्र है, ये सबको पता नहीं है, हमें खुद पता नहीं है, और उससे स्वर्ण बनाया जाता है, ऐसी महिमा ग्रंथ में वर्णन है। संत ग्रंथ ये कभी गलत नहीं है। बिल वृक्ष लगाने से, रोपण करने से, उनका पोषण करने पर, पालन करने पर महादेव प्रसन्न होते हैं। आपने बिल वृक्ष लगाया और जब तक वो बिल वृक्ष विशाल होगा उसकी पत्तियां चढ़ेंगी जितनी बार, उतनी बार महादेव आप पर प्रसन्न होंगे कि आपके द्वारा लगाया बिल वृक्ष था। इसलिए हमारे समिति के पदाधिकारी गणों ने निर्णय लिया कि बिल्व आपके यहां नहीं, हम भाईंदर में कथा किए थे, वहां था ना, आपके यहां नहीं, अभी आपके यहां के पूर्व 1 तारीख को भाईंदर में कथा शिव महापुराण की संपन्न हुई, सबको बिल वृक्ष दिया गया था और सब लोगों ने अपने अपने घरों पर लगाया। उसकी बड़ी अद्भुत महिमा है, जीवन में एक बार बिल वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और बिल वृक्ष चढ़ाने पर सारे पाप नष्ट होते हैं, जीवन में जरूर एक बार ऐसा होना चाहिए। सूत जी कहते ऋषियों, आपने भस्म की महिमा सुन ली, बिलपत्र की महिमा सुन ली, अब आपने रुद्राक्ष किस प्रकार से भगवान शंकर को धारण करना चाहिए। भगवान शंकर ये तप कर रहे थे हिमालय पर, और भगवान शंकर के तप करते ही आंखों से आंसू गिरे, रुद्राक्ष से गिरे, तो अक्ष माने नेत्र, और भगवान शंकर से बन गए वही रुद्राक्ष। 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, सबसे छोटा रुद्राक्ष जो होता है वो बहुत उत्तम माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष तो मुक्ति प्रदान करने वाला है। प्रत्येक रुद्राक्ष भगवान जो भी धारण करता है रुद्राक्ष पहने रहता है। रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति अगर मृत्यु भी हो जाए तो शिव लोकम महीयते, बड़ा विस्तार से वर्णन है, कितने मुकुट पे पहनना चाहिए, कितने हाथ पर, कितने गले पर, भगवान जो धारण करता है इतने पूरे अंगों पर, 8 अंगों पर रुद्राक्ष धारण किया जाता है, वह साक्षात वो रुद्राष्ट के समान शिव के स्वरूप हो जाता है और शिव लोकम। ऐसे रुद्राक्ष धारण किए हुए व्यक्ति का दर्शन करने से भी पुण्य है। तो आपने रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा, बिलपत्र की महिमा, ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान शंकर को सबसे ज्यादा जो दो पुष्प कौन सा पसंद है, कौन सा फल पसंद है। सूद जी कहते ऋषियों, भगवान को दो पुष्प बहुत सुंदर पसंद थे, एक केतकी और एक चंपा। केतकी के बारे में आप सुन ही चुके हो, केतकी ने झूठ बोला था जिसके कारण भगवान शंकर ने त्याग दिया था। सूद जी कहते कि सुनो ऋषियों, अब ये चंपा भी भगवान शिव को बहुत प्यारा था, आखिर भगवान ने चंपा का परित्याग क्यों किया। एक बार की बात है, नारद जी महाराज विचरण करते जा रहे थे और एक मार्ग में एक ब्राह्मण चंपा के पुष्प तोड़ने के लिए जा रहा था। वो ब्राह्मण बड़ा लालची था, चतुर चालाक था, वो भगवान शिव की सेवा के लिए नहीं अपितु राजा को यजमान बनाया था, और उसकी पूजा करने से राजा प्रसन्न होगा, और राजा प्रसन्न हो, शिव प्रसन्न हो या ना हो, राजा होना चाहिए।
कभी कभी धर्म की जगह है, धर्मावास होता है। धर्म वाणी का विषय नहीं है, धर्म तो आचरण करने का विषय है, धारण करने का विषय है। वो ब्राह्मण लोभ बस चाहता था कि इस वृक्ष की केवल मैं ही पूजा करूं और कोई ना करे। राजा से संपर्क था तो राजा का भय दिखलाकर किसी को पुष्प तोड़ने नहीं देता था। भक्त लोग मन में बात रह करके शिव को बिना पुष्प चढ़ाए रह जाते थे। सही भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी, एक बार की बात नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, ये ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो ये इतनी बड़ी टोकरी लेकर के? ब्राह्मण ने कहा कि मैं नारद जी से झूठ बोल दिया, मैं भिक्षा लेने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। नारद जी ने महादेव जी का पूजन किया और जैसे ही महादेव जी का पूजन किया और नारद जी पूजन करके जैसे थोड़ी और भी कई मंदिरों का दर्शन किया, इतने में वो गया और सोचा कि नारद बाबा चले गए। बहुत सारा चंपा का वृक्ष लेकर के आया और भगवान शिव का पूजन किया। और नारद जी ने पूछा कि भाई, नारद जी अंतर्यामी फिर भी बात को जानना चाहते थे। अन्य ब्राह्मणों से पूछा कि भाई, इस प्रकार मन मलिन करके आप मंदिर में क्यों बैठे हो दूर? बोले, महाराज जो ये ब्राह्मण है वो हमें ना तो पूजा करने नहीं देता है, ना भगवान को पुष्प तोड़ने देता, ना चढ़ाने देता। इसको राज से सुरक्षा प्राप्त है, ये बड़ा चाटुकार है। ये शिव की प्रसन्नता के लिए नहीं अपितु ये राजा की प्रसन्नता के लिए ऐसा करता है कि लोभ में मुझे धन मिलेगा। ये बात नारद बाबा को अच्छी लगी नहीं। नारद बाबा ने ये बात भगवान शंकर को निवेदन किया, भगवान शंकर से बात बताई और सब लोगों ने कहा कि भाई, ये जो यहां जितने भी लोग आते हैं, लोग हमें दक्षिणा देते हैं, उसमें भी आधा हिस्सा हमसे मांग लेता है, ये ऐसा करता है। और देखो, हमको एक गाय मिली है और कहता है कि गाय भी आधी हमको चाहिए, क्या हम गाय की हत्या करें? कितना बड़ा पाप लगेगा, इतना लोभी है। नारद जी ने भगवान शंकर को बताया और भगवान शंकर को क्रोध आया और कहा, केतकी ये चंपा और तुम्हें चाटुकार, मैं ऐसे चाटुकार और चंपा दोनों का परित्याग करता हूं जिनके कारण लोग दुखी रहे और सेवा न हो। इसलिए भगवान ने चंपा का भी परित्याग किया। शिव को चंपा और केतकी बहुत प्रिय थे, लेकिन अब दोनों भी भगवान को चढ़ाए नहीं जाते। प्रायः आपने सब देख लिया, भांग धतूरा भगवान को इसलिए प्रिय है कि भगवान शंकर एक जो हलाहल विष पिए हैं। भगवान जब बेचैन होते हैं, भांग धतूरा खाकर मस्त होकर के और भगवान का संकीर्तन पूजन करते हैं। सूत जी कहते हैं, कहे ऋषियों, इस प्रकार से भगवान की विविध प्रकार की सेवा और पूजा का वर्णन किया। बोल शंकर भगवान की जय। स्तुति, पूजन के बाद में प्रार्थना और स्तुति करें तो पूर्ण फल मिलता है। आइए, धूप दीप नैवेद्य और इसके बाद में प्रभु शिव की प्रार्थना बड़े भाव से करें, फिर आगे की कथा कहेंगे। और बिल पत्र चढ़ाने से सब काम होता है, और भंग चढ़ाने से सब काम होता है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करते हुए भोलेनाथ के सामने काम कराना है बड़े भाव से। अरे भोलेनाथ को खुश करना आसान होता है, भोलेनाथ को खुश करना आसान होता है, भोलेनाथ को खुश करना आसान होता है। बिलपत्र चढ़ाने से सब काम होता है, बिलपत्र चढ़ाने से सब काम होता है, भोलेनाथ को खुश करना आसान होता है, भोलेनाथ को खुश करना आसान होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भंडारी का कर ले भजन दिल से आइए भोले भंडारी का वो कर ले भजन दिल से भोले भंडारी का कर ले भजन दिल से भोले भंडारी का जिसको भरोसा है मेरे शिव त्रिपुरारी का जिसको भरोसा है मेरे शिव त्रिपुरारी का वो आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है वो आनंद है जो उनका गुणगान होता है शिव भंग चढ़ाने से सब काम होता है शिव भंग चढ़ाने से सब काम होता है भोलेनाथ को खुश करना आसान होता है भोलेनाथ को खुश करना आसान मेरे साथ गाइए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिव गंगा धरा शिव गंगा धरा हर हर भोले नमः शिवाय गंगा धरा शिव गंगा धरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोले बाबा भोलेनाथ की महादेव के जैसा कोई देव ना दूजा महादेव के जैसा कोई देव ना दूजा महादेव के जैसा कोई देव ना दूजा महादेव के जैसा हो ना दूजा वो करते हैं सावन में सब लोग हैं पूजा करते हैं सावन में सब लोग हैं पूजा हर सावन में है इनका श्रृंगार होता है हर सावन में है इनका श्रृंगार होता है बिल पत्र चढ़ाने से सब काम होता है बिल पत्र चढ़ाने से सब काम होता है महादेव को खुश करना आसान होता है महादेव को खुश करना आसान होता है बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले मंगराय से भगवत मंगराय हर हर भोले नमः शिवाय भगवत मंगराय से भगवत मंगराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः
नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। आपने भगवान शिव की विविध सामग्रियों के द्वारा आराधना पूजना पूजा के बारे में आपने श्रवण किया। निश्चित ही एक एक वस्तु से अर्पण करने पर भगवान अनंत गुना शिव की कृपा से प्राप्त होता है। अब ऋषियों ने सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान की आपने बढ़िया सुंदर विविध प्रकार के द्रव्यों के द्वारा आराधना की बात बताई, भगवान की अब आएंगे की कथा श्रवण कराइए, भगवान शिव ने कौन सी लीला की। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान शिव की लीला बड़ी अनंत है। भगवान शिव की कृपा के बिना उनकी लीला उनकी माया को कोई आज तक जान नहीं पाया, ना उनके पार पा पाया है। शिव की बड़ी अद्भुत माया है, जिसे भगवान शिव की माया से बड़े बड़े देव बड़े बड़े मुनि संत भी मोहित हो जाते हैं। तो महाराज, असुर मोहित हो जाएं ये बात तो समझ में आती है, पर शिव तो स्वयं योगी हैं, परंतु शिव की माया से योगी जन मुनि जन कैसे मोहित हो सकते हैं? क्या कभी मुनि मोहित हुए हैं? अगर हुए हैं तो ऐसी कथा सुनाइए। तब सुनाया नारद मोह, नारद जी को भी मोह हो सकता है। सूर्य जी कहते इसी एक बार की बात है, भगवान शंकर कथा सुना रहे थे पार्वती को, और माँ भोले भगवती को कथा सुनाते हुए माँ ने पूछा कि भगवान जगत में अवतार कैसे लेते हैं। बोले भगवान के अवतार के बहुत से कारण हैं। कई कारण बताते हुए कहते हैं, नारद श्राप दीन नारद श्राप दीन कबारा कलप एक ते ही लग अवतारा कलप एक ते ही लग अवतारा गिरिजा चकित भई सुन बानी गिरिजा चकित सुई गुण बानी नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। माँ कहती है कि बाबा कथा सुनाते ही माँ ने रोक दिया और माँ ने कहा कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद बाबा श्राप नहीं दे सकते। माता पार्वती के दो संबंध है नारद जी से, एक गुरु का भी है, क्योंकि नारद जी ही दिव्य उपदेश दिए हैं। गुरु का संबंध मानती, संत का संबंध तो है ही है, तो ये गुरु निष्ठा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है। और माँ ने भोलेनाथ से कह दिया, नारद जी श्राप नहीं दे सकते, अगर मेरे गुरु ने श्राप दिया होगा तो कोई ना कोई कारण होगा, आपने बताया नहीं है। कारण कारण श्राप मुनि दीना कारण कारण श्राप मुनि दीना काप राधे रमापति कीना काप राधे रमापति कीना यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी मुनि मन मोह आचरज भारी। माँ
के शब्दों पर ध्यान दें, कारण कवन नाथ श्राप मुनि दीना। आपने मेरे गुरुदेव को श्राप देने की बात तो कह दी, तो ये नहीं बताया कौन सा कारण, ऐसे ऐसे थोड़ो श्राप दे देते हैं। का अपराध रमापति की ना, जरूर कोई ना कोई गलती विष्णु भगवान ने की होगी, ऐसे मेरे गुरुदेव है ही नहीं जो श्राप दे दे। भगवान मुस्कुराए, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करही जस सोत देहि चर होई। एक बार की बात है, देवी नारद जी महाराज विचरण करते हुए हिमालय की तलेटी पर जा रहे थे, और सुंदर तलेटी पर एक सुंदर गुफा देखी, और नारद जी ने जैसे हिमगिरी गुहा देख अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन बह समीप सुर सरी सुहावन, बह सरीव सुर सरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा, पुनीत सुहावा देख देशी मन अति भावा, देख देवर्षी अति मन भावा। हिमगिर गुहा, हिमालय पर्वत बहुत सुंदर प्यारी गुफा थी, और नारद जी उसी गुफा में बैठ करके नजदीक में सुरसरी माँ भगवती गंगा बह रही थी, पर नारद जी का मन लग गया कि यहीं बैठ करके मैं भगवान का भजन करूं। एक प्रश्न उठता है, अरे नारद जी जब शैलगिरी पर्वत को पार करते करते आए तो कितनी लंबी सुरसरी के किनारे किनारे गए होंगे, कई गुफाएं मिली होंगी, नारद जी को वह एक ही गुफा को देख करके इतना मन क्यों लगा भगवान का भजन करने का। ऋषि कहते उसमें कारण है, नारद जी को महाराज दक्ष का श्राप है, नारद जी को इसलिए अच्छा लगा दक्ष ने श्राप दिया है। महात्माओं ने पूछा, महाराज दक्ष गृहस्थ है, नारद जी विरक्त हैं, अब तक हम विरक्त का श्राप गृहस्थ को लगते हुए सुना है, किसी महात्मा ने राजा को श्राप दे दिया, किसी महात्मा ने राक्षस को श्राप दे दिया, किसी महात्मा ने गृहस्थ को श्राप दे दिया, आज तो उल्टा हो रहा है, एक गृहस्थ ने महात्मा को श्राप, वो भी नारद जैसे समर्थ संत को श्राप दिया, और नारद जी ने कुछ नहीं कहा। महाराज इसका कारण बताइए। तब कहते सुनो ऋषियों, भाई जिसका जो काम है उस वो काम अवश्य करता है, उसको स्वभाव में रहता है। जैसे कोई भैया कश्मीर घूमने जाए और सुंदर गुलाब का बगीचा देखे, तो कोई जो जैसे भाव से जाएगा उसका वैसे मन करेगा, जो कोई भक्त जाएगा तो लगेगा गुलाब अपने सरकार को अपने ठाकुर को अर्पण करूं, कोई व्यापारी जाएगा तो बड़े सुंदर गुलाब है गुलकंद बनाकर व्यापार करूं, वस्तु एक है भाव अनेक है। कोई संसार के विषयों से प्रेम करने वाला लगेगा अपनी प्रेयसी को गुलाब अर्पण करूं कितनी प्रसन्न होगी, गुलाब एक भाव अनेक फल भी उसी हिसाब से। तो नारद जी का काम है कि जितने ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन बनाऊं भक्त बनाऊंगा उतने ही भगवान प्रसन्न होंगे। बोलो राधे राधे। भाई कोई भी कंपनी में प्रमोशन कब होता है, जब कंपनी के मुताबिक काम किया जाए तब। एलआईसी कहती है कि ज्यादा से ज्यादा एजेंट बनाओ, हम आपका प्रमोशन अपने आपका परसेंट देते जाएंगे, जितने ज्यादा एजेंट और ग्राहक उतने ज्यादा, एलआईसी एजेंट जितने बनाएगा कस्टमर उतने ज्यादा मिलेगा उसको, परसेंट निश्चित है। तो ठीक भगवान ने भी कहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप भगवान की कथा सुना करके महिमा गा करके जितने ही संसार में और
विमुख लोगों को भगवान की ओर मोड़ोगे, भगवान से जोड़ोगे, तो भगवान तुम्हारा प्रमोशन अपने 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 आप होने लगेगा। आप देख लीजिए जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी कथाकार हैं, दुनिया उनके ऐसे ही जय जयकार नहीं करती, कैसे भी घुमा फिरा करके लोभ लालच दिला करके स्वर्ग के लक्ष्मी मिल जाएगी, दुख दूर हो जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे, ब्याह हो जाएगा, न जाने कितनी प्यारी प्यारी रसीली मधुर कथा सुना सुना करके, कस्मात केनापमायना मनः कृष्ण निवेशयेत, कैसे भी दुनिया में भटका हुआ मन भगवान की ओर लग जाए। बस जब भी कोई भी एजेंट किसी भी कंपनी की आपके यहाँ पॉलिसी करने आता तो ऐसे गुणगान, महाराज जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एक बार आप एलआईसी करवा लीजिए, बस हो गया आपका, समझ लो कि आपका बेड़ा पार हो गया, कितने गुण गाता है। पर सरकार एक बार करवा ली, ठीक उसी प्रकार से भगवान ने कह दिया जितने ज्यादा भक्त बनाओगे उतने ही प्रमोशन पाओगे। नारद जी का प्रमोशन देख लीजिए महाराज, नारद जी ऐसे हैं देव यक्ष किन्नर गंधर्व देवलोक मनुष्य लोक कहीं भी चले जाए नारद जी की पूजा होती है, नारद जी कहते हैं ये मेरी पूजा नहीं है, व्यास जी को समझाते हुए ये भगवान की कथा का चमत्कार है, उनकी प्रचार का, भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करने का और ज्यादा से ज्यादा भक्त का बनाने का ही ये इनाम है। इसलिए आप भी अगर इसका लाभ लेना चाहते हो भगवान की कृपा, आप तो कहोगे महाराज हम तो कथावाचक है नहीं, हम तो बाबा जी है नहीं, हम कैसे भगवान के कृपा पात्र बन सकेंगे, तो देखो भाई सरल बात है, भगवान की कृपा कोई कथा बाचने भर से नहीं होती है, कथा बचवाने में भी होती है, कथा सुनाने में भी होती है, कथा में यजमान बनने में भी होती है, किसी भी प्रकार की सेवा सहयोग करने में भी होती है। अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दरी भी छाए दो, गद्दा ही लगा दो, कुर्सियां बैठा दो, लोगों को बुलाओ प्रेम से आइए बैठिए, श्रोताओं को भगवान का रूप मानो, और ज्यादा से ज्यादा अगर कथा नहीं सुना वक्ता नहीं बन सकते हो तो सच्चे श्रोता बन करके आप सुने औरों को सुनाए, बारंबार फोन करके बुलाएं, इतनी प्यारी कथा शिव पुराण की हो रही है श्रावण में, अरे आज तो आ जा एक दिन आ जा, सबको बुला बुला करके जितने प्यारी कथा सुना, जो काम नारद जी करते हो काम आप भी कर सकते हो, बुला बुला करके जो संत करते हो काम आप भी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कथा आप सुनवाने आओगे तो आपका भी कमीशन पक्का और प्रमोशन 100%। सरल बात है, अब देखना है किसको कितना कमीशन और प्रमोशन लेना है, भगवान तुम्हारा नर से नारायण बनाने की व्यवस्था है, आपकी सामर्थ होना चाहिए, इसका ही ओपन है, आप फ्लाइंग करिए कितना उड़ सकते हो, जाकर के भगवान के धाम तक आप प्राप्त कर सकते हो, ये भगवान की कथा में महिमा है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों कहा आपने ये नहीं बतलाया, नारद जी कहते कि हे ऋषियों, नारद जी का मन लग गया, श्राप दिया, नारद जी कहे कि एक बार आ रहे थे नारायण सरोवर की ओर और नारायण सरोवर से 1000 बच्चे दक्ष प्रजापति के तपस्या करके और तप से एकदम समलंकृत मुखमंडल चमक रहा था, आ रहे थे 1000 बच्चे बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी, दूर से जैसे कोई सूर्य प्रकट हो रहा है ऐसा मुखमंडल चमक रहा था ब्रह्म तेज से। नारद जी ने कहा अरे वाह वाह वाह, इतने सारे एक साथ मिल गए, आज सबका मैं बिना पॉलिसी किए मानूंगा नहीं, बाबा ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि सबके सब अपनी अपनी पॉलिसी करवा ली। और बोले बाबा कहां से कौन हो, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, बाबा पहले अपना परिचय दो, कहा हम दक्ष पुत्र हैं और हम जा रहे हैं, हम गए थे पिता की आज्ञा से नारायण सरोवर पर तप किया, दिव्य शक्ति प्राप्त करके आए, अब जाकर विवाह करेंगे और गृहस्थी का पालन करेंगे। नारद जी ने कहा धत तेरी की, वाह गंगा में स्नान करके आए हो, पवित्र होकर अब जाओगे गड्ढे में कि फिर गिर जाओगे, असारे खल संसारे, ये संसार दुख का दलदल दरिया में घुसने जा रहे हो, नारायण की नारायण सरोवर में तप करके और दुख के दलदल में फंसने जा रहे हो, और ऐसा कूट प्रश्न किया, ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि सारे के सारे 1000 सब बाबा बन गए। गुरुदेव जो आज्ञा वो ले लो, पकड़ो माल, अर्धाओ, भगवान का भजन करो, जीवन का यही सार है।
प्रजापति प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आएंगे, और जब लौट कर नहीं आए तो किसी ने सूचना दिया कि वो आएंगे भी नहीं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वो तो सबको नारद ने बाबा बना दिया, दिमाग खराब हो गया दक्ष का। 10,000 बेटों को, हरियवस्व नाम के बच्चों को पैदा किया संकल्प मात्र से, 10,000 को आशीर्वाद दिया, जाओ भगवान का भजन करो, फिर सृष्टि करना है, पिता की फैक्ट्री में काम करने में सहयोग करना, सृष्टि करना, दक्ष की फैक्ट्री है। 10,000 बच्चों ने तप किया, तप करके जैसे लौट रहे नारद के सौभाग्य से पुनः मुलाकात हो गई। नारद जी ने कहा तो होलसेल में चेला बनाऊंगा, वाह वाह भैया वाह। नारद जी को बहुत अच्छा लगता है, 1,000 भजन करेंगे भगवान कितने प्रसन्न होंगे, 10,000 नाम जपेंगे ठाकुर कितने प्रसन्न होंगे। और नारद जी ने जब देखा कि चेलों की संख्या ज्यादा है तो उपदेश देना भी ज्यादा कड़क वाला उपदेश दिया, और कहा बच्चों कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ऐसे ही बताया अपने भाइयों के जैसे। कहा सुनो अच्छा बच्चों, तो कुछ प्रश्नों का जवाब दे दो, फिर तुम सृष्टि करो। अच्छा तो दक्ष ने कहा था कोई बाबा मिले ना तो किसी बातों पर आना मत। और पहले तो बच्चों ने कहा नहीं महाराज, हमें जाने दो, हमें पिता की आज्ञा, अरे आज्ञा के लिए कौन मना करता, सुनो तो पहले। अच्छा ये बतलाओ तो तुम सृष्टि करने जा रहे हो? बोले हाँ। तो अच्छा बच्चों ये बतलाओ तो तुम्हें ज्ञान तो होगा ही? बोले अवश्य। तो ये बतलाओ कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम जानते हो क्या? बच्चों ने सर खुजलाया, एक ओर नदी बहनी का तो हमने सुना था नाम, पर दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी हो सकती है? महाराज विचित्र वाणी बोलने वाला हंस का नाम जानते हो क्या? नहीं जानते गुरुजी। तो महाराज एक ऐसा बिल है जिसमें घुसने के बाद में फिर लौट करके वापस नहीं आते, उस बिल का नाम जानते हो क्या? गुरुजी नहीं जानते। नारद जी ने कहा तो फिर खाक सृष्टि करोगे, तुम कुछ नहीं जानते हो तुम तो? गुरुजी आप ही बता दो क्या, ऐसा कूट प्रश्न किया नारद जी ने। कहा बच्चों दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम माया है, जो सृजन भी कर रही है और संहार भी करा रही है, दुनिया जान नहीं पा रही, माया बड़ी विचित्र है। दोनों ओर बहने वाली माया जिसका नाम है माया, दोनों ओर बहती है, संहार भी करा रही है और सृजन भी करा रही है। अच्छा, और विचित्र हंस बोलने वाले संत और शास्त्र हैं, उनकी भाषा अगर ना समझ पाए तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव वो एक बिल है जिसमें घुसने के बाद में फिर कभी लौट कर आना नहीं पड़ता, वो बिली का नाम बैकुंठ है। एक बार श्री हरि के धाम में चले गए, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अरे जो नारद जिसको समझा दे वो भला ना समझे? नारद जी इस बार तो पूरे मनोयोग से समझाया, 10,000 ने शरणागति स्वीकार की। नारद जी ने कान फूंक दिया, जाओ बच्चों जिस रास्ते में तुम्हारे भाई गए भगवान का नारायण सरोवर में भजन करो। दक्ष ने जब ये प्रतीक्षा कर रहा था और दक्ष के अब बच्चे आ गएंगे, समय पूरा हुआ, दक्ष को फिर सूचना मिली, महाराज आशा छोड़ दो वो नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले फिर नारद मिल गया। आप तो दक्ष क्रोध से लाल हो गया, नागर नारद मिल जाए तो उसको मैं बताऊंगा। संयोग से भगवत इच्छा से कुछ वर्षों के बाद नारद जी जा रहे थे, नारद जी को क्या, नारद जी तो करकुरा करके भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। और संयोग से नारद जी जा रहे थे, नारद जी को क्या पता कि ये दक्षपुर है, और नारद जी उधर से घुसे और दक्ष चला आ रहा था। और उस दिन से दक्ष को महात्माओं से ज्यादा लगाव नहीं रहा कि ये बाबा मैं सृष्टि करने के लिए तैयार करता हूं, ये बाबा बाबा बना देते। और नारद जी को आते ही जैसे देखा दक्ष का क्रोध सातवें पार पर चला गया, और उस दक्ष को उसने श्राप दिया, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नस्तया, तो साधु है, छोटे छोटे मेरे बच्चों ने संसार क्या देखा है, उन्हें बाबा बना दिया। मैं श्राप देता हूं जा तू आज से एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकेगा, तो बाबा क्या बनाएगा। नारद जी समर्थ थे, चाहते तो बदले में दक्ष को श्राप दे देते थे, लेकिन नारद जी ने श्राप को स्वीकार कर लिया, यही साधुता है। कृपा का बदला भी क्रोध का बदला कृपा से। नारद जी कुछ नहीं बोले, स्वीकार कर लिया और कहा आपने बहुत अच्छा किया है,
अभी तो कहीं रात लोग रोक भी लेते थे, रुक जाते थे, अब आपने श्राप पीछे लग गया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा घूमेंगे और ज्यादा से ज्यादा बाबा बनाएंगे। और इस प्रकार अगर बाबा बनाने लग जाएं तो एक दिन बाबा बनना बंद हो जाएगा। बोलो कैसे? अरे भाई जब सब बाबा बन जाएंगे, अरे गृहस्थ से ही तो बाबा बनते हैं, तो बाबा बनना बंद हो जाएगा कि नहीं? इसलिए भगवान ने कहा बाबा बनाओ, पर एकदम ऐसा मत बना दो कि बाबा बनने ही बंद हो जाए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, नारद जी को श्राप लगा, लेकिन आज जिस जगह पर आए हैं उस जगह पर नारद जी का मन एकदम शांत हुआ, तो क्या कारण था? श्राप नहीं लगा। कहते ऋषियों सुनो, उसी जगह पर भगवान शंकर ने तपस्या की थी और आकर के कामदेव ने उनकी तपस्या खुलवाई थी, और जिसके कारण जाप जलाकर राख कर दिया, तो रति ने प्रार्थना की थी और भगवान शंकर ने कहा कि आज के बाद इस दिन इतने जगह पर काम का कोई प्रभाव नहीं होगा। भगवान शंकर ने उठाकर जहां तक दृष्टि देखी और शिव की दृष्टि गई, उस जगह पर काम का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होगा। और इसी नारद जी आए तो नारद जी को लगा कि मन लग गया सहसा, और नारद जी बैठ करके सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, मुनि गति देखे सुरेश डराना, मुनि गति देखे सुरेश डराना, आमहि बोली इन्हें सनमाना, कामहि मारी केन सन माना। गिनती सूत जी कहते हैं कि ऋषियों सुमिरत हरि ही श्राप गतिवादी, भगवान हरि का स्मरण करते ही नारद जी को दक्ष का श्राप मतलब कोई प्रभाव नहीं किया, ये शंकर की कृपा से। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों नारद जी ने जैसे ही देखा बहुत अद्भुत मन लगा, समाधि लगने लगी। देखो भाई, जब किसी नगर में या किसी पर्वत हिमालय या कहीं जाते हैं उसकी सुंदरता देख करके, या कहीं गए किसी ने सुंदर भवन महल मकान बनाया तो उसकी कृति देख करके कर्ता की याद आ जाती, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है, कर्ता की याद आती ना, क्या बात है कितना बढ़िया बनाया है। तो जो मनुष्य बनाते हैं उसको कहते हैं कृति, कितनी सुंदर कला है। लेकिन जो इस संसार को प्रभु ने इतना सुंदर बनाया है उसको कहते हैं प्रकृति, प्रकृति को बनाने वाले परमात्मा है, कुछ नहीं, कृति में प्रा लग गया तो प्रकृति। तो भाई जब कृति को देख करके कर्ता को याद आता है तो प्रकृति को देख करके परमात्मा भी याद आना चाहिए। सुंदर सुरसरी को देख करके, हिमालय की गुफा को देख करके हरि को स्मरण आया, वाह प्रभु कितना सुंदर स्थान बनाया है। और स्थान बना करके जैसे ही नारद जी ने लगाया समाधि, और नारद जी की समाधि लगी, समाधि को देखते ही और तप को देखते ही मुनि गति देख सुरेश डराना, इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी मेरी तपस्या के लिए तो ये तप नहीं कर रहे, महाराज भगवान ने बड़ी अद्भुत गति बनाई है, नारद जी अद्भुत, देखिए संसार में प्रकृति ने परमात्मा ने ऐसा कुछ रख दिया है, मिट्टी काली पीले हरे वन आसमान का रंग नीला, अद्भुत चमत्कार, ये भगवान की लीला को
संसारी अपना अपनी महिमा गाता है, लेकिन संत जब प्रकृति को देखता है तो एक एक स्वरूप में प्रभु की कृपा की अनुभूति उसी होती है। और नारद जी वर्णन करने लगे, प्रभु आपकी अद्भुत लीला है। उसी लीला में वन वन मिट्टी पहाड़ पृथ्वी का नारद जी शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हो इस संसार की गतिविधियों पर, हो इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। सुनिए, लोग एक पेंटिंग भी बना देते हैं और कहते हैं इसमें किसी को बेचने का अधिकार नहीं है, सारे राइट्स मेरे हैं, ये मैंने लिखा है, ये मेरी कविता कहानी है, इसे मेरी आज्ञा के अलावा बेच नहीं सकते हैं। नारद जी क्या कहते हैं? इसमें केवल प्रभु का इस प्रकृति पर अधिकार है। उस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है। और काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में है। और मरना जीना, मरना जीना, हंसना रोना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। पीले हरे वन आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब उसकी ही है लीला, सब उसकी ही है लीला, सबके भीतर सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, भजन हार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी, कोई नहीं उसका सानी, समझदार भी हो, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये
ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। उमादार जोसित की नाई सब ही नचावत राम गसाई, क्या अद्भुत है। सूरदास जी कहते हैं, कहां कहूं लग करूं बड़ाई, गोविंद की गत गोविंद जाने। सूर कहा मैं कहूं बखानों गोविंद की गत गोविंद जाने। सूरदास बाबा कहते हैं कि भाई कैसे फल बीच रस डाला, कैसे फल बाहर से कवर है बंद है, और क्या अद्भुत परमात्मा ने उसके अंदर रस डाल दिया उस प्रकृति के अंदर। मिर्चा तीखा गन्ना मीठा खारा नमक बनाया, मिर्ची तीखा गन्ना मीठा खारा नमक बनाया, मिट्टी पानी खाद एक ही, भेद कहां से आया। मिट्टी पानी खाद एक ही है, लेकिन महाराज मिर्ची तीखी, वही मिट्टी वही खाद वही पानी, मिर्ची तीखा गन्ना मीठा खारा नमक बनाया। क्या परमात्मा की अद्भुत लीला है। मिट्टी पानी खाद एक है, भेद कहां से आया। सूत जी कहते कि हे ऋषियों, नारद जी को लगी समाधि और आनंद में भजन करने बैठ गए, उसी क्षण नारद जी के मन में आया जो सुख पाया राम भजन में, जो आनंद मिला। नारद जी अपने मस्ती में डूबे थे और टेंशन हुआ इंद्र को, तुरंत कहा कि लगता है बाबा को हमारा इंद्रासन चाहिए। तुरंत कहा बाबा की समाधि खुलाओ, कामदेव को बुलाया और सम्मान किया, जाओ ऐसा ऐसा करो। बसंत को बुला करके दिव्य अप्सराओं के साथ में सम्मोहन उद्दीपन आदि पांच बाणों से के वो पुष्प धनुवा कामदेव सारी सेना लेकर के आया, और बहुत से उसने प्रयास किया, लेकिन नारद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। नारद जी महाराज लगा समाधि बैठे रहे। कामदेव अपनी सारी कला करके हार गया, थक गया। अगर महा कामदेव को याद आ गया, हा हा ये वही जगह है जहां शंकर बाबा ने एक बार जला दिया था, फिर बारी आ गई, डर गया। लेकिन इस बार कहा अगर बाबा जग गया तो बाबा तो आज तो अपना अंत हो गया। और जैसे ही नारद जी की समाधि खुली और काम चरणों में गिरा, महाराज काम डर गया, कांप गया। नारद जी ने कहा भाई क्यों क्यों डर रहे हो, क्या बात है। बोले महाराज हम तो दास हैं, सेवक हैं, आज्ञा का पालन किए हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं थी आपकी हम समाधि भंग कराए हैं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा कि भाई जाओ, हमें तुम पर कोई क्रोध नहीं है। नारद जी कामदेव ने कहा महाराज आपको, आपने तो काम को जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, आपको क्रोध भी नहीं आया, काम को भी आप जय हो महाराज, आप जैसे महात्मा तो हमने कभी सुना ही नहीं है, आप देखा ही नहीं हमने। वाह महाराज, अपनी प्रशंसा किसी को अच्छी, किसको अच्छा नहीं लगती। नारद जी को लगा वाह रे हमने कामदेव को जीत लिया, काम को जीत लिया। नारद जी ने जो काम ने प्रशंसा की, महाराज बहुत बड़े योगी देखे पर आप जैसे नहीं देखा, आप जैसे तपस्वी, आप जैसे ध्यानिष्ठ, वो तो आपने करुणा कृपा करके आप हमसे आंख खोली, ने भला किसकी सामर्थ्य है आपकी समाधि भंग करने। नारद जी को लगा कि हमने ही समाधि हमने कामदेव को जीत लिया, लेकिन ये तो राम कृपा से चमत्कार हुआ था, और राम का नारद बाबा को लगा कि हमने चमत्कार कर दिया। और नारद जी ने तुरंत कामदेव को बुलाया, डरो मत कांपो मत, सुनो हमें क्रोध भी नहीं। वाह महाराज आपने काम को भी जीता क्रोध को भी जीता। नारद ने कहा कि सुनो
जाकर के अपने राजा इंद्र को कह देना हमें लोभ भी नहीं है, हमें स्वर्ग की सत्ता भी नहीं चाहिए, जो सुख पाया राम मजन में सो सुख ना ही अमीरी में, मन लागा मोरो यार फकीरी में। अरे कामदेव तो ऐसी मुक्त कंठ महिमा गाई और जाकर के यह समाचार भगवान यह समाचार देवताओं के बीच में इंद्र को सुनाई। जैसे सुने सब लोग तो चकित रह गए। जब कामदेव ने इंद्र के पास में जाकर सुनाया महाराज नारद जी पर मेरा कोई चमत्कार नहीं हुआ, सुन सबके मन अचरज आवा मुनि प्रसन्न से हरहि सिर नावा। सबके मन में अचरज आया कि नारद जी ने का कोई असर हुआ नहीं। बोलो राधे राधे। तो ये नारद जी का चमत्कार था कि भगवान की कृपा का चमत्कार था। एक व्यक्ति आकर के सबसे बताने लगा कि भैया गोला चला, बारूद चली, बंदूक चली, पर हमें खरोच भी नहीं आए, उसी बीच में हम भी थे। बोले महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों तरफ से चलते रहे पर हम पे तनिक भी खरोच नहीं आया। किसी ने पूछा अच्छा तो आप कहां बैठे थे? बोले हम तो चार दीवारी के किले में आराम से बैठे थे, मोटी मोटी दीवालें थी। कहा भैया उन बैठने वाली की महिमा है, वो बचाने वाली दीवाल की महिमा है, ये दीवाल ही बचा करके रखी थी। तो भैया ये नारद जी की महिमा है या राम कृपा की महिमा है जो काम से बच गए? और नारद जी बचे राम कृपा से, पर नारद जी को लगा कि अभिमान आ गया कि हमने काम को जीत लिया। नारद जी सोचने लगे वाह रे हमने काम को जीत लिया, और भी क्या कोई दुनिया में काम को जीता है? तब नारद जी को स्मरण आया ओहो हां एक व्यक्ति ने काम को जीता है, लेकिन काम को जीते नहीं, काम को तो जला दिया है। वो कौन? बोले वो भगवान, वो शंकर बाबा है। अब जाओ चले शंकर बाबा को बताएं कि अब हम वो वाले नारद जी नहीं है, अब आपसे भी दो कदम आगे निकल गए हैं, आपने तो जला दिया है और हमने तो जीत लिया है। और आपने केवल क्रोध काम को जीता है जलाया, हमने तो क्रोध को भी लोभ को भी जीत लिया। चलो अपनी महिमा तो बताएं, तब तो समझ में आएगा कि नारद जी ने क्या उपलब्धि प्राप्त की है। और नारद जी आकर के भगवान शंकर के पास में आए। जैसे ही नारद जी भगवान शंकर के पास में आए तब नारद गमने सिंपाही जिता काम अहमित मन माही। अभिमान आया और भगवान शंकर नारद जी को जैसे देखे सोचने लगे कि आज संत आए हैं तो राम कथा होगी। और जब भगवान शंकर ने नारद जी का स्वागत किया, आए नारद जी पधारिए कुछ हरि चर्चा हो जाए, भगवान की कथा हो जाए। नारद जी ने कहा आजकल हम कुछ अलग कथा कहने लगे हैं, कोई आजकल हम नई कथा कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा नई कथा सुनाइए फिर तो और भी आनंद आएगा। मारे चरित संग करही सुनाए, मारे चरित संग करही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिन बहुमुनि तोही, बहुमुनि तोही यह कथा सुनावऊ मोही, जिमी यह कथा सुनावऊ। भगवान शंकर ने जैसे काम कथा सुनाई, राम कथा सुनने वाले शंकर बाबा को काम कथा मारी चरित काम के चरित सुनाने के बाबा ने बीच में टोक दिया, नारद जी बस बस फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एक बात है मैंने आपसे एक बार हाथ जोड़ा था कि आप राम कथा सुनाइए, अब मैं बार बार हाथ जोड़ रहा हूं कि ये कथा जो आपने मुझे सुनाई है ये किसी को मत सुनाना। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपकी प्रार्थना करता हूं ये कथा किसी को मत सुनाया। अरे कभी कभी वक्ता पूछ लेते कहो भाई कैसी कथा लगी,
पूछ लेते हैं ना कैसा रहा प्रसंग। अब कोई श्रोता कह दे कि महाराज आज के बाद ऐसी कथा किसी को मत सुनाना कृपा करके, कैसा लगेगा वक्ता पर। ओ ये शंकर मार चरित सुना रहे थे बाबा शंकर को, काम रामचरित सुनने वाले और काम चरित को जो बात कहने लगे। सूद जी कहते हैं कि ऋषियों 5 मिनट ज्यादा लेंगे। सूद जी ने कहा कि हे ऋषियों, बाबा शंकर ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि बाबा ये किसी को मत सुनाना। शंकर नारद जी को लगा इन्होंने काम को जीता नहीं जला दिया और हमने इनसे बड़ा काम कर लिया, ये किसी को किसी की बड़ाई थोड़ो पचती है, इनको भी ईर्ष्या हो रही हमारे से कि मैंने इनसे बड़ा काम कर लिया, कहीं मेरे बारे में लोग जान ना जाए। पहले टीवी चैनल ये सब पत्रकार आदि होते नहीं थे, खुद की प्रशंसा खुद ही कहना कह पड़ता था। नारद जी ने सोचा कि अच्छा, उस समय के नारद जी बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे महाराज त्रिलोक में, इनसे बड़ा कोई पत्रकार नहीं था महाराज। और नारद जी ने सोचा कि कभी कभी खुद का भी प्रचार करना पड़ता है, और नारद जी ने कहा इनको हमारी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी है। तो नारद जी ने भी बात बनाई, देखिए बात ऐसी है बाबा हमको तो दुनिया से क्या लेना, बोला किसी को मत सुनाना, बोला हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमको तो भगवान से मतलब है। भगवान शंकर ने कहा ये बात तो भगवान को कभी मत सुनाना। अरे हम नहीं सुनाएंगे, कभी बात चल जाए, बोले चलयूं प्रसंग दुरायूं कबहूं, अगर भगवान पूछ मिले बाबा तो ये बात को पचा जाना, बिल्कुल मत बताना, किसी से मत कहना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान गुरु है, शंकर जी वैद्य हैं, समझ गए थे इनका अभिमान का फोड़ा हो गया है, और शंकर जी ने ज्ञान की बूटी दे इसे खा लो, फोड़ा पच जाएगा यहीं पे। संबुदीन उपदेश नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनु हरि इच्छा बलवान। बहुत समय बीत गया, अब लगा नारद जी को अपनी कीर्ति इनसे सुनाने का क्या मतलब है। नारद जी को लगा कि अब वो वाले नारद नहीं है, अब हमने जो काम किया है अब हम भगवान के यहां क्यों जाएं, अब भगवान हमको बुलाएंगे, हमारा स्वागत करेंगे, तब भगवान के यहां हम जाएंगे। पर भगवान कहां से बुलाएं। नारद जी को लगा कि इनको पता नहीं चला कि मैंने इतना कमाल किया कि अरे भगवान को पता तो चले तब कि वो पुराना वाला नारद नहीं है, अब जो नारद ने कमाल किया वो शंकर भी नहीं कर पाए, तो ये भगवान को जब पता चले तब ना भगवान हमारा सम्मान करेंगे। इधर माता लक्ष्मी ने एक बार पूछा, प्रभु बहुत समय बीत गया नारद का पता नहीं चल रहा, नारद जी आए नहीं दुनिया, वो आते हैं तो एक साथ में दुनिया का सारा समाचार पता चल जाता है, बहुत समय बीत गया। भगवान ने कहा बात ऐसी है कि नारद जी को एक बीमारी लग गई है देवी। अच्छा बीमारी लग गई? हाँ, बोले बीमारी लग गई है, अब स्पेशलिस्ट तो हम ही है, उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा अब तभी ठीक होगी बीमारी। अच्छा तब एक बार करतल बर वीणा गावत हरिगुण गान प्रवीणा। अब पहले तो हरिगुण गाते थे, अब गान प्रवीणा, अपनी महिमा गा रहे, अब तक राम की महिमा, अब तक काम की महिमा गा रहे हैं। आज नारद जी ने सोचा कि भगवान लगता है पता नहीं चला है, मैं ही जाकर बताऊं। तो नारद जी महाराज जैसे ही क्षीर सिंधु के लिए गए और भगवान नारायण ने नारद को आता देखा तो भगवान ने लीला किया और अद्भुत लीला की। और भगवान जैसे ही नारद जी आए, पहले नारद जी आते थे तो नारद जी हाथ जोड़ करके आते थे, आकर दंडवत प्रणाम करते थे, नीचे बैठ जाते थे, पर आज भगवान ने उल्टा किया और भगवान तुरंत हाथ फैलाए, दौड़ पड़े, आइए नारद जी आइए, सुस्वागतम आपका। लक्ष्मी जी विचार कर रहे, भगवान ये न जाने कौन सी लीला करने वाले हैं, ये उठ करके स्वागत कर रहे हैं, इनके स्वागत में भी बड़ा खतरा है, कौन सी लीला कर दें। दौड़े दौड़े आए, हर्ष उठे मिली रमा निकेता, बैठे आसन श्रीसिन समेत। भगवान उठे और दौड़ करके नारद जी प्रणाम करने लगे, भगवान ने कहा ना 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 आओ गले मिलो। नारद जी को लगा ओहो ये हमारी कीमत समझे, अब बराबर के हो गए हैं, बराबर वाले प्रणाम नहीं करते गले मिलते हैं।
पहले हम आते थे, ये बैठे रहते थे, हरस उठे, ये उठ करके दौड़ के आ रहे। अरे भैया, हीरे की कीमत तो कोई जौहरी ही समझता है, ये बाकी कैसे समझ पाए। शंकर बाबा कीमत नहीं समझे, नारायण सही समझ में आए। देखो उठ करके दौड़ते हुए आए, इनको समझ में आ गया कि ये पुराने वाले नारद नहीं है, नया कीर्तिमान स्थान किए हैं। नारद जी नीचे बैठने लगे, बोले नाना ना, बैठे आसन ऋषिन समेता। भगवान खिसक लिए और कहा यहां बैठिए, यहां बैठिए। नारद जी एकदम संकोच किए बिना बैठ गए। वाह, अब भी कोई हम बस भगवान बनने में थोड़ी और कमी है, बस ज्यादा नहीं है। बगल में बैठ गए, और बगल में बैठने वाली मिल जाए और बस बात बन जाए, भगवान तभी बनेंगे। नारद जी ने कहा और बोले बिहस्त्राचरणाया बहुत दिन किन्हीं मुनि दाया। अब तक भगवान दया करते थे, आज भगवान कहते बहुत दिनों के बाद में आपने दया किया है। नारद जी ने कहा बात बन गई, अब तो हमारी दया से सब काम होगा। भगवान भी कहते हैं बहुत दिनों के बाद में आपने दया की है, कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा महाराज आपको क्या बतलाएं, हमने तो एक बड़ा कमाल किया, आपको पता नहीं है। बोले महाराज क्या काम किया आपने कमाल? काम चरित नारद सब भांके। अच्छा, और भगवान ऐसे सुन रहे हैं। अच्छा महाराज फिर क्या हुआ? बोले काम आया, लगाई समाधि, काम आया। फिर क्या हुआ महाराज? बोले काम आया और काम पराजित हो गया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बोले मां बाप महाराज भला काम आपका क्या बिगाड़ सकता? फिर क्या हुआ? बोले मुझे क्रोध भी नहीं आया। फिर क्या हुआ? बोले मुझे लोभ भी नहीं रहा। अरे अब तो भगवान ने कहा अति प्रचंड रघुपति की माया, भगवान ने ऐसी माया फेरी। तुम्हारे सुमरनते मिटहि मोह मार मद मान। नारद जी आपका जो सुमरण कर ले तो काम क्रोध लोभ मोह सब मिट जाते हैं। नारद जी ने कहा वाह, अब भगवान ने प्रमाणित कर दिया कि अब तक राम के सुमरण करने से काम मिटता था, अब नारद हमारे सुमरण करने से। इसका मतलब अब भगवान बनने में थोड़ी कमी रह गई है, इनके जैसे सिंहासन मिल जाए, इनके जैसी एक देवी मिल जाए पूरे भगवान, इतनी कमी है। मन ही मन नारद जी ने सोचा, कहा वाह आपने कितनी बड़ी कीर्ति स्थापना की, आपकी जय हो जय हो। नारद जी ने कहा वाह, जिनकी दुनिया जयकारा लगाती है वो मेरा जय मेरी जय जयकार कर रहे हैं। आज 5 मिनट ज्यादा लेंगे, स्टेशन तक गाड़ी को ले जाना है, ज्यादा समय नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी ने सोचा बस ये जयकार कर रहे हमारा। नारद जी ने कहा कि महाराज भगवान ने कहा आपने क्या स्थापना की ये कीर्ति। नारद जी ने कहा नारद कहे उष हित अभिमान कृपा ये तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहा सहित अभिमान, अंदर अभिमान है नारद के, प्रभु ये सब आपकी कृपा से हुआ है, मैंने नहीं किया। भगवान ने मन ही मन कहा नारद हमारी कृपा से हो गया है, अब हमारी कृपा हम हटाते हैं, अब तुम करके दिखाओ, काम को जीत कर दिखाओ। नारद जी को स्वागत करके जैसे भरपूर स्वागत किया और भगवान विदा करने के लिए गेट तक गए। लक्ष्मी सोच सोच कर विचार कर रही है भगवान कौन सी लीला करने वाले हैं। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मी जब किसी फुग्गे को फोड़ना रहता है तो हवा ज्यादा भरनी पड़ती है। भगवान शंकर वैद्य है, गुरु भी है, और शंकर ने जब नारद जी को सिखाया था, नारद जी बात नहीं मानी तो 2 दूत को नारद जी के पीछे लगा दिया। और जब किसी को फोड़ा हो जाता है तो वैद्य जी के पास में जाते थे, पहले फोड़ा होता था तो गए तो वैद्य जी ने दबा दिया, बोले 2 चूर्ण ये चाट लेना जिससे ये दब जाएगा। आपने दबा लिया और वैद्य जी के पास गए ही नहीं, चूर्ण वो चूर्ण चाटे ही नहीं, और इसके बाद वो जब बढ़ने लगा तब दूसरे डॉक्टर वैद्य के पास में गए, कहा कि भाई ये फोड़ा आज का नहीं है तो पुराना है। वैद्य जी सब जान जाते देखते ही। अच्छा तो आप किसी वैद्य के पास गए नहीं थे क्या? बोले गए थे, दवा दी थी। बोले दी थी।
वो दवा दी थी कि दब जाएगा और हमने दवा खाई नहीं। बोले अब तो ये बैटर अब तो दबने लायक नहीं है, अब तो इसको दवा दी और कहा इसको बढ़ाओ, और जब बड़ा हो बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, बोले ऑपरेशन कर दो, बोले ऑपरेशन करने लायक नहीं है, तो उसको दवा ऐसी दे दी कि ऑपरेशन हो जाए। तो भगवान ने कहा शंकर रूपी वैद्य ने समझाया था तो माने नहीं, और फोड़ा बड़ा हो गया तो भगवान ने वो दो अभिमान रूपी जो बूटी दे दी, शंकर ने ज्ञान रूपी बूटी दी और भगवान नारायण ने अभिमान रूपी घूटी पिलाई और बाबा का ऑपरेशन करने लायक वो फोड़ा बड़ा हो गया। अभिमान ने फूल गए और भगवान ने माया की, शील निधि राजा अपनी कन्या विश्वमोहिनी का विवाह कर रहे थे, नारद जी ने देखा विरत विसारी, भगवान की कृपा से थोड़े समय के लिए मुनि विरत ज्ञान को भूल गए, अभिमान में आए और सुंदर नगरी थी और राजा ने जो देखा कहा भाई क्या हो रहा है। नारद जी को यह पता होना चाहिए ना कि हम आए थे तो रास्ता साफ था, कोई भवन नहीं कोई नगर नहीं, लेकिन अभिमान में कहाँ भान रहता है। अभिमान ने फूले, नारद जी आए और देखा शैल निधि राजा है और यहाँ अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं और बड़े बड़े देश देश के राजा आए थे, और जैसे सन्मुख आए और शैल निधि ने अपनी कन्या का नाम विश्वमोहिनी, नाम विश्वमोहिनी, देखो अभिमान में आते ज्ञान भी शून्य हो जाता है। नारद जैसे नारद भगत विष्णु पुण्य ज्ञानी, इतने बड़े भक्त ज्ञानी हैं और अभिमान विवेक को शून्य कर देता है। विरत विसारी, संत का पतन नहीं होता, प्रकुक्षण के लिए अपने बैराग को भूल गए नारद जी। और शील निधि राजा ने प्रणाम किया, महाराज बहुत सही समय पे पधारे हैं, मेरी बिटिया को स्वयंवर है, हाथ देख करके बताइए इसके कौन सा पति प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा। हाथ देखा, देखने के लिए हाथ कहा था और बाबा ने जैसे हाथ पकड़ा विश्व मोहिनी का और कहा जे बरई अमर सोई होई, जो इसको बरेगा अजर अमर हो जाएगा, समर भूप तह जीत न कोई, कोई भी जीत सकेगा नहीं, सब ही सकल सेवा ही सचराचर, सारे जगत के जीव उसकी सेवा करेंगे, सब उसकी आज्ञा मानेंगे, लक्षण सब विश्वा विचार उर राखे, कछुक बनाए कछ भूप सन भाके। नारद जी ने कहा बस, देखो नारद बाबा अभिमान में ज्ञान नहीं रहा, चौपाई के अर्थ का अनर्थ लगा लिया। दूसरा, नारद जी कह रहे हैं कुछ और समझ रहे हैं कुछ, कह तो सही रहे हैं, जो यही बड़े ही अमर सोई होई, राजकुमारी जो इसका राजकुमारी को जो वरण करेगा वो अजर अमर, जिसको राजकुमारी वरण करेगी वो जिसको ये वरण करेंगे वो अजर अमर हो जाएगी राजकुमारी। लेकिन लगने लगा कि जिसको राजकुमारी वरण करेगी वो अजर अमर हो जाएगा, सत्य यह है कि जो राजकुमारी का वरण करेगा वो अजर अमर है, विश्वजीत है, उसे कोई जीत नहीं सकता। पर नारद जी को लगा जिसको राजकुमारी वरण कर लेगी, अगर इसने हमारा वरण कर लिया तो हम अजर अमर हो जाएंगे, हमारे चराचर जगत के जीव हमारी सेवा करेंगे, ऐसा उपाय करूं। इस समय नारद जी के मन में आया, देखो नारद जी को कहा था कि हाथ देखना है, बहुत देख लगी मुनि रहे उ निहारी, पकड़े हाथ है और देख मुख रहे, नारद जी से यही भूल हो गई। नारद जी को कहा था हाथ देखने का और नारद जी पकड़े हाथ है और विश्व मोहिनी का मुख देख रहे हैं, और विश्व मोहिनी ने मारी मुस्कान, नारद जी भूल गए सारा ज्ञान, और नारद जी को लगा कि ये मिल जाए बाला, बस काम बन गया, ये मिल गई लक्ष्मी से कम नहीं है, और महाराज इसके एक ही बेटी के अलावा कोई है नहीं है, नगर बहुत बढ़िया है, ससुराल में जैसे भगवान रहते हैं वैसे ससुराल में हम रहने लग जाएंगे, अब भगवान की रही सही कसर पूरी हो जाएगी और हम भी भगवान बन जाएंगे और चराचर जगत के जीव हमारी स्वागत करेंगे। नारद जी को नाम विश्व मोहिनी है, तो नारद जी क्या विश्व से बाहर है क्या, यही तो है मोहिनी का माया का चमत्कार। और महाराज नारद जी मोहित हो गए और नारद जी को लगा कि इस समय
राजकुमारी का वर्णन करने के लिए सुंदर स्वरूप चाहिए। और देखो वीरत विसारी, नारद जी पूरी तरह नहीं भूले, ज्ञान समाप्त नहीं हुआ, थोड़े भूले हैं, स्मरण है कि भगवान से बढ़िया सुंदर नहीं है, कोई नहीं है। नारद जी महाराज तुरंत भगवान के गए कि और भगवान से प्रार्थना की, मोरे हित हरि सम नहीं कोई। इसका मतलब पूरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, मोरे हित हरि सम नहीं कोई। मैं जाता हूं भगवान के पास में, उनका सुंदर रूप मांगूंगा। नारद जी ने आकर के काम के वशीभूत कहा, प्रभु आप मुझे हरि रूप दे दो। दौड़े दौड़े लौट के आए, भगवान ने कहा देवर्षि कैसे लौट कर आए? बोले सरकार एक काम आन पड़ा। का काम? जरूरी काम। बोले हाँ, आपने तो अभी अभी काम को जला दिया, ये काम कहां से आ गया? वाह महाराज, काम आ गया बस आपसे। बोले क्या बात है? बोले प्रभु हमारी विवाह करने की इच्छा है। भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, विवाह करना चाहिए। नारद भगवान कहते अभी अभी इन्होंने काम को जीत लिया और अभी अभी विवाह करने भी चले आए। भगवान ने कहा था हमारी कृपा से जीते हो, अपने बल के द्वारा जीत करके दिखाना। कहा प्रभु आन रूप नहीं पाओ वो ही। किसको? बोलो वही जिसका हाथ देख करके आया हूं। प्रभु एक बार नारद जी कहते प्रभु आप देख लोगे तो आप भी छोड़ोगे नहीं, पर सरकार बात ऐसी है कि नंबर मेरा है, मैं चाहता हूं विवाह हो जाए। भगवान ने कहा अवश्य करिए विवाह, हमारी जो मदद है हम आपकी अवश्य मदद करेंगे। भगवान ने कहा जय बिन होए नात हित मोरा, जिससे मेरा हित हो वही काम करिए। शंकर के संवाददाता दोनों गणों ने भगवान को सूचना दिया कि महाराज रुचि की बात नहीं, अब हित की बात हो गई है। महाराज जहां हित हो जाता है, शंकर को लगा कि अब नारद का कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा जहिविद होए नात हित मोरा, तो भगवान कहते हैं जहिविद होए परम हित नारद सुनहुं तुम्हार, सो हम सब करब नान कछु बचन नम्रसा हमार। वही करेंगे, शब्दों पर ध्यान दे। जहिविद होए नात हित मोरा, तुम कहा कि न, भगवान कहते हैं भक्त का कभी पतन नहीं होता। भगवान ने कहा जयविद होए परम हित, वही करेंगे हम। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा अच्छा तो आपको हरि रूप चाहिए। भगवान ने सुंदर मणियों से जड़ा हुआ श्रृंगार लगाया हुआ इतना दे दिया विष्णु रूप, और दूसरा एक भगवान का हरि रूप, बंदर को भी हरि कहते हैं। और भगवान ने इतने से नीचे सुंदर और इतने से ऊपर बंदर बना दिया, बड़ा अद्भुत रूप बना दिया। और नारद जी समझ गए कि आप तो राजकुमारी अपना ही वर्णन करेगी। सारी सभा में बैठ गए महाराज, और सूत जी कहते ऋषियों सब जैसे ही बैठ गए, नारद जी को पक्का विश्वास था अपना ही वर्णन करेगी। और जाकर के देखा, और भगवान की माया बड़ी अद्भुत है, सारे जगत को ठग लेती है। और नारद जी ठगे से बैठे रहे। नारद जी को चार लोग जानते थे कि कौन है। एक तो शिवगण, शिवगण ने भगवान से कहा कि देखो हम भी हरि रूप देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा ये सीक्रेट बात है, ये सबको नहीं बताई जाएगी। बोले हम संवाददाता हैं, सीक्रेट कनेक्शन नहीं दिया जाएगा तो हम प्रचार कैसे आंखों देखा हाल बताएंगे। भगवान शंकर ने कहा जाओ तुम भी हरि रूप में नारद जी को पहचान सकोगे। रुद्रगण आकर के अगल बगल बैठ गए, कहा इस समय भगवान नारद जी को नारद जी का एक एक पल पल का समाचार शंकर बाबा को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस समय हरि रूप मिल गया है। नारद जी सभा मंडप पर पधार गए हैं, राजकुमारी माला लिए आ रही है। और राजकुमारी माला लेकर के आ रही है, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए थे, राजागण बैठे थे, राजा को सब लोग, नारद जी को सब लोग नारद ही मान रहे थे, लेकिन वो बंदर का रूप था ना, शिव के गणों को उस सुंदरी को नजर आ रहा था, ये भगवान को, ये बात सबको नहीं पता था। नारद जी को लगा कि कुछ भी हो जाए भगवान से सुंदर कोई नहीं, ये बात सच भी है। और जैसे ही नारद जी बैठे थे, बार बार उचक रहे थे, लेकर के आई और वो भूल से उस दिशा में देखी नहीं, एक बार दृष्टि डाली, इतने गुस्से से देखी उस राजकुमारी ने और तुरंत मुंह फेर लिया। और सब कहने लगे ये नारद बाबा कैसे आके बैठ गई, हमारे ओर तो देखी नहीं रही है।
और लेकर के घूम रही थी माला, और माला घूमते घूमते उसी समय भगवान नारद जी को लगा कि माला अपने गले में पड़ने वाली है, और दोनों दूत कहते वाह महाराज, अहो रूपम, अहो स्वरूपम, दिव्य रूपम। शिवगण प्रशंसा कर रहे, क्या रूप है महाराज आपका, अनुपम सुंदर, दुल्हन तो आपको मिलेगी। और प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती, उसी से आओ बैठ जाओ, अगल बगल बैठा लिया। उसी समय महाराज ये विश्व मोहिनी है, महाराज शील निधि राजा है, विश्व मोहिनी माला लिए खड़ी हुई है, और नारद जी महाराज सुंदर बने हुए, बंदर बने हुए बैठे हुए हैं, और चारों तरफ वो देख रही है कि जैसे ही भगवान श्री हरि आए और लेकर के वो तुरंत अपने धाम को। नारद जी समझ रहे थे, परंतु नारद की वो एक बार भी दृष्टि डाली नहीं, पग पग का पल पल का समाचार सुनाते जा रहे थे। शिवगण कहा राजकुमारी अब आ गई है, वरमाला लिए वर की प्रतीक्षा में खड़ी हुई है। उसी समय स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आए और दौड़े दौड़े आए, और जैसे ही सभा में पधारे, नारद जी तो फूले थे किधर भी घूमे आकर के इधर ही आना पड़ेगा, उसी समय भगवान लक्ष्मी नारायण आए। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी ने तुरंत पुष्प की माला डाली है। और भगवान ने कहा, और भगवान ने भी माला डाल करके और लक्ष्मी का हाथ पकड़ करके एक बार तो भगवान वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एक बार तो हाथ पकड़ कर हनुमान जी मंदिर तक लेकर गए। अच्छा ठीक है, फिर तो भगवान लेकर के 9, 2, 11 और इधर नारद जी देख रहे हैं कहां गई किधर गई, लक्ष्मी दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, भगवान लेकर के चले गए। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की, नारद जी बार बार देख रहे हैं, बार बार उचक रहे हैं, पर कहीं नजर नहीं आए। शिवगण हंसने लगे, वाह महाराज क्या अद्भुत रूप है आपको, जाकर एक बार दूल्हे सरकार अपना मुखमंडल तो देख लो पानी पर। जैसे ही देखा है पानी पर और देखते ही आग बबूला हो गए, शिवगण भागे, दोनों कपटी पापी, जाओ निशाचर हो तुम कपटी पापी, दो जाओ तुमने हमको स्वरूप को हंसे हो, आज के बाद किसी संत का तुम उपहास नहीं करोगे। और शिवगणों को श्राप मिल गया, दोनों ने कहा महाराज हमें श्राप दिया है बताने वाले को, और बनाने वाले को कुछ नहीं जिसने बंदर बनाया है, अभी जाकर उसे बताता हूं। भयंकर क्रोधित होकर के नारद जी ने कहा जाइ मरी हूं जाई कि नहीं हूं श्राप की मरी हूं जाई जगत मोर उपहास कराई। नारद जी बड़े क्रोधित होकर गए, आज तो मैं अच्छा श्राप दूंगा उसको या आत्महत्या कर लूंगा। भगवान रास्ते पर मिल गए और देखा तो वही रमा राजकुमारी लेकर के आए, अरे तुम कपटी हो, तुमको किसी का भला नहीं देखा जाता, स्वयं अमृत पी लिया और शंकर बाबा को जहर दे दिया, तुम किसी के हो नहीं सकते हो, स्वार्थी हो कपटी हो। नारद जी जब भगवान ने अपनी माया फेरी, ना लक्ष्मी थी ना कोई नारी थी, नारायण के चरणों में नारद जी गिर पड़े, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए असफल हो जाए। और नारद जी तो कहा ये मेरी माया का चमत्कार है, नारद जी चरणों में गिर गए। और नारद जी ने कहा आपकी माया का कोई पार नहीं पाया प्रभु, आपकी माया आप ही जाने, क्षमा करते हुए